गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है जी? आप सभी के कैसे हैं? आप सभी लोग, सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। जनरली देखिए, मैं क्लास नहीं लेता हूँ संडे को, बट जब रिक्वायरमेंट है तो क्लासेस ली जाएंगी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में आपको छुट्टी दी गई थी CHSL और CGL की मेंस की प्रिपरेशन के लिए, रिविजन के लिए या पेपर देने के लिए, तो उसका बदला आपसे जो है अब लिया जा रहा है। ठीक है, राम राम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, राधे राधे। और अब आपका जो स्केड्यूल इस महीने में रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस महीने के एंड तक हम हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, और 30th ऑफ मार्च से हम जो है शुरू करेंगे साइंस का कोर्स। तो तब ऐसा नहीं है कि 30th ऑफ मार्च तक हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, हम दोनों कोर्सेज चलाएंगे। कुछ दिन हम साइंस पढ़ेंगे, कुछ दिन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट हाँ, अधिकतर पोर्शन मैं आपका 30 मार्च से पहले ही पूरा कराने की कोशिश करूंगा। मतलब मिडिवल हो जाएगा, मॉडर्न भी काफी सारा पोर्शन हो जाएगा, एंशियंट आप साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, आपके यहाँ दो क्लासेस है, 1 से लेकर 3 बजे, 4 से लेकर 6 बजे। जो नेक्स्ट वीक आपका है, उसके अंदर मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी डेली क्लास है, रात को 10 से 12 बजे, ये रात वाली क्लास है। और सैटरडे संडे को जो है, मैं आपके लिए जहाँ तक मेरा प्लान है, 8 घंटे यानी 4 क्लासेस लूंगा, 4 × 2 चलेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा एक आपकी स्पेशल क्लास होगी, एंड फिर से मंडे से वही सेम अपना 1 क्लास रात को 10 से 12 वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। बाकी कोर्सेस कब आएंगे वो आपको आने वाले समय में बताऊंगा पीयूष। अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड कोर्स इकोनॉमिक्स का लगा सकते हैं। अभी आपको मैं हिस्ट्री का और साइंस के ये दो कोर्सेज जो है लाइव दे रहा हूँ। ये दोनों के दोनों कोर्सेज जो है थ्योरी कोर्सेज है, यानी जो साइंस का कोर्स आएगा एक थ्योरी कोर्स होगा, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स आपको 0 लेवल से शुरू करके पढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कल की क्लास में मैंने आपको बाबर ने जो एंट्री करी थी भारत के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया था। डाउट्स आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए, कल रात को सारे के सारे डाउट्स मैंने ले लिए थे। आज भी कोई डाउट्स होंगे तो वो मैं आपको आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो अंकित, क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करें। ठीक है साइड पॉइंट, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, बाबर आए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने जो है लड़ी थी। इस तरीके के करके हमने बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस राणा संगा, बाबर वर्सेस मेदनी राय, सारी की सारी बैटल्स पढ़ी थी। क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आखिरी बात जो मैंने आपको लिखवाई होगी वो लिखवाई होगी 1528 की बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मैंने लिखवाया होगा बाबर वर्सेस मेदनी राय, और मेदनी राय को उन्होंने हराया और मारा था, यानी डिफीटेड एंड किल्ड। और मेदनी राय जो है वो मालवा के एक शासक थे। यहां तक की बात मैंने लिखवाई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समय को थोड़ा समय दीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, एक और पर्सनैलिटी है जिसके बारे में हम आगे चल के जिक्र करेंगे, जिनका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शुरू से इनका नाम शेर शाह सूरी नहीं था। कुछ चीजें सस्पेंस के रूप में थोड़ा सा रोकूंगा, मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बाबर की सेना थी, उसी के अंदर एक पर्सनैलिटी थी जो कि बाबर की टीम में थी, यानी बाबर की सेना का एक हिस्सा थी। लेकिन ये पर्सनैलिटी आगे जाके इनकी सेना से अलग हो जाती है और शेर शाह सूरी बनकर आती है, और इन्हीं के बेटे हुमायूं को हराती है 2 बार। और यहाँ पर हुमायूं को हटाने के बाद यहाँ पे सूरी वंश की स्थापना कर दी। सिर्फ कहानी है, ऊपर ऊपर से सुन लीजिए, इसकी डिटेलिंग आपको आगे चल के दी जाएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, बाबर की सेना का एक इंसान जिसका नाम शेर शाह है, वो हुमायूं को हराएगा और सूरी वंश की स्थापना करेगा, जो 15 साल के आसपास चलेगा। उसके बाद फिर से सूरी वंश खत्म हो जाएगा और हुमायूं की वापसी हो जाएगी। क्या आपको छोटा सा जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाई है वो पल्ले पड़ गया? अगर ये समझ आ गया तो इसे आप भूल जाइए, आगे जब समय आएगा तो आपको इसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। देखिए, याद रखेंगे जो फरीद है वही है शेर शाह का असली नाम, फरीद शेर शाह और शेर शाह सूरी, तीनों एक ही बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछे रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी तो आप ये बता सकते हैं, फरीद शेर शाह और शेर खान भी कह सकते हैं, और शेर शाह सूरी सबके सब एक ही। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब देखिए, बाबर कल मिस नहीं हुआ था बेटा शरद, एक्चुअली जो घाघरा वाला वॉर है 1529 में हुआ है, हमने कल 1528 तक का डिस्कशन किया था, तो वो चीज मैं आपको आज लिखाऊंगा। ठीक है, चिंता ना करें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब आप अगले नंबर पे लिखेंगे, 1529 में एक और बैटल हुई जो कि शरद ने लिखा भी है, बैटल ऑफ घाघरा। सब कुछ आगे चल के आपको मैं लिखवाऊंगा, मतलब चिंता ना करें। फरीद बोला जाता था वैसे ही, बैटल ऑफ घाघरा, इसमें बाबर वर्सेस महमूद लोदी, और बाबर डिफीटेड महमूद लोदी, और बाबर ने पक्का कर लिया कि लोदी साम्राज्य खत्म हो चुका है, बट 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु, बाबर डाइड, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। ठीक है, आप अगर कल की क्लास लगा चुके तो आपको पता होगा बाबर को काबुल जो है काफी पसंद था, तभी आपने कई सारी चीजें कल काबुली नाम से सुनी होगी, कुछ सिक्के चले, कुछ बाग बने, है ना। तो इन्हें, इनकी जब डेथ हुई तो भारत के अंदर डेथ हुई थी, भारत के अंदर जब इनकी डेथ हुई थी तो इन्हें 2 बार दफनाया गया था, बाबर डाइड। ठीक है, अब इन्हें
दफनाया गया। मैं ऐसी भाषा लिख रहा हूँ जो पेपर तक आपके दिमाग में चली जाए। पहले फर्स्ट आगरा के आराम बाग में, उसके बाद फाइनल काबुल में। गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, नोट कर लिया आपने, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब बाबर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। पहली बात ये कि आपको पढ़ी नहीं होनी चाहिए क्या बंदा है, और उसके साथ पहली बात ये, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए, ही रोट तुजूक ए बाबरी इन, नमस्ते जी, टर्किश लैंग्वेज। बहुत 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 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, कई बार पूछा जाता है। बाबर पर्शियन यानी फारसी और अरबी भाषा को अच्छे से जानते थे, लेकिन इनकी जो बायोग्राफी है वो इन्होंने खुद लिखी थी, इसलिए उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। वो तुर्की भाषा में लिखी, ठीक है जी। ये तुजूक ए बाबरी जो है, आप इसे बाबर नामा भी कह सकते हैं, बाबर नामा, ये जरा संडे वाले मसले हैं और कुछ नहीं है, और आप इसे जो है तुरुख या तारीख ए बाबरी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलें आगे, एक बार रिफ्रेश करिए साहिल, इधर से सब ठीक होना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो क्या आप बता पाएंगे? मैंने क्योंकि लिखा ही रोट, यानी बाबर ने खुद अपनी जीवन की कथा जो है वो लिखी थी। एक और पर्सनालिटी है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम बाबर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बाबर की बात करेंगे। अब इसमें इन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी थी, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने नोट्स बनाए थे इसमें, वो था ये, अकॉर्डिंग टू बाबर, कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर एम्पायर was the most powerful, greatest, जैसे भी आप लिखना चाहे, ruler of India। ठीक है जी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कृष्ण देव राय वॉज कंटेम्प्रेरी टू बाबर? ये भी पेपर का एक्चुअली सवाल है ना, इसलिए बता रहा हूँ, वॉज कंटेम्प्रेरी। अंग्रेजी देखिए ऐसे ही सीखी जाएगी धीरे धीरे, शब्दों को नया नया सुन के सीख कर। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी जब आप जीवित है और मैं जीवित हूँ तो हम एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और मैं कंटेम्प्रेरी हैं, आप और हम कंटेम्प्रेरी हैं, मैं और सचिन तेंदुलकर भी कंटेम्प्रेरी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और बाबर कंटेम्प्रेरी नहीं है, मैं और बाबर भी कंटेम्प्रेरी नहीं है। आई होप आप पूरे तरीके बात समझ पा रहे हैं। नहीं नहीं इतनी तो मुझे आती है हिंदी, बहुत बढ़िया पीयूष। देखिए जो आपका पेपर है आपसे अंग्रेजी की डिमांड करता है, आपसे चार सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सवाल इंग्लिश के हैं। वो क्यों है? क्योंकि एसएससी ओरिएंटेड जो एक एस्पिरेंट है, एसएससी चाहता है कि उसे इंग्लिश आए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, वो हिंदी मीडियम से तो हिंदी के कोर्सेस लगाते हैं, वो अपना और बड़ा नुकसान कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश भी उस चक्कर में कमजोर रह जाती है। अब ये कंटेम्प्रेरी जैसा शब्द एक नॉर्मल शब्द है, लेकिन उसे कभी आएगा ही नहीं क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। चले आगे, मतलब एसएससी के बच्चों को तो इंग्लिश वाले कोर्सेज लगाने चाहिए, उससे दिन पे दिन आराम आराम से उनकी इंग्लिश भी बढ़िया हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। यस प्रगति, बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी, ये जो भी है बाबर नहीं लिखा था। चलें आगे दोस्तों, अब अगले नंबर पे आते हैं जी, नेक्स्ट रूलर बनते हैं कौन? हुमायूं। अब हम बाबर के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। हुमायूं जो है ना, माना जाता है दिल के अच्छे लेकिन अभागे थे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करा करते थे। ये सब बातें इसलिए बताता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको कहानी समझ में आ जाए। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सोचा करते थे, जैसे आप हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, कुछ उसी तरीके जो है ये बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, उस चक्कर में कई बार इनका नुकसान भी हो जाता था। इनका शासनकाल चलेगा 1530 से 1540, जौना खां की तरह नहीं, ये जौना खां लाइट कह सकते हैं आप, मतलब वो तो खैर नेक्स्ट लेवल हिसाब था उनका। 1530 से 1540 एंड
1555 टू 1556। ये अकेले ऐसे मुगल बादशाह है जिनकी पारी में ब्रेक आया है, बाकी सब या तो रूल करेंगे या मर जाएंगे या फिर हट जाएंगे। ये अकेले ऐसे मुगल बादशाह हैं जो दो बार अपनी गद्दी पर ही वापस आए हैं, एक बार 1530 में और एक बार 1555 में। ऐसा क्या हुआ सब कुछ आपको बताया जाएगा। और देखिए जो पहला एंड आया है वहां पर इन्हें रिमूव कर दिया गया था, रिमूव बाय शेर शाह सूरी, और सेकेंड टाइम पे इन्हें जो है पूरे तरीके निपटा दिया गया था। ही डाइड, ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, ऑनेस्टी, लक। ये छोटी छोटी नॉट सो काम की बातें हैं, लेकिन आजकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में भी, चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हुमायूं, इस तरीके कुछ बनाएगा तो वहां पर क्या पता है डेटा आपके काम आ जाए। ठीक है जी, अब आपको याद होगा बाबर जो है वो मर गए हैं और उन्होंने अपने बेटे को कह दिया था कि तुम जो है अगले बादशाह बनोगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। लेकिन बाबर के और भी बच्चे थे, वो कौन थे मैं आपको बताता हूँ, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो बाबर का किंगडम तो काफी बड़ा था, हम तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम काबुल कंधार वगैरह की बात नहीं करते, बट बाबर एक्चुअल में वहां से आया था तो उस इलाके को थोड़ी छोड़ देंगे। तो हुमायूं क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे तो इन्हें मेन इलाका मिला, इन्हें मिला आगरा वाला इलाका प्लस दिल्ली वाला इलाका। कामरान को वो मिला जो बाबर के सबसे करीब था, काबुल और कंधार। अस्करी को जो है संबल वाला इलाका मिला, ये भारत वाला ही संबल है, और इन्हें अलवर वाला इलाका मिल गया। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ हुमायूं है क्योंकि नेक्स्ट मुगल बादशाह ये बने थे, बाकी सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सबसे जुड़ा बहुत पूछेगा तो ये पूछेगा बाबर की मृत्यु के बाद काबुल कंधार का हिस्सा किस बेटे को मिला था, आपको कमरान बता के टिक करना है। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन टाइम में भेजिए अजय अपना डाउट, और करीब जो है 2:45 बजे तक वेट आपको करना होगा। जी हाँ, ये है सन्स ऑफ बाबर। ठीक है, कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? और माना जाता है कि बाबर की मृत्यु के बाद खुशी खुशी हुमायूं ने ये सब इलाका अपने भाइयों को दे दिया था। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भले ही पिता कुछ कह गए लेकिन मरने के बाद बच्चे जो है मुकर गए, तब भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। याद करिए रजिया सुल्ताना वाली कहानी, बहुत बार ऐसा होता है ना। या फिर आप इल्तुतमिश वाली कहानी, इल्तुतमिश के केस में भी तो यही हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरने से पहले ये थोड़ी कह गए थे इल्तुतमिश बनेंगे, वो तो उनके बेटा उनका बेटे के पास पावर आई लेकिन इल्तुतमिश ने वो पावर जो है उससे छीन ली। खैर यहाँ पर क्योंकि हुमायूं जो है अच्छे इंसान थे, मैंने आपको इसलिए ऑनेस्टी वाली बात लिखी है, बिलीव्ड इन ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी वाली बात लिखी है क्योंकि ये मानते थे कि हाँ मतलब कर भला तो हो भला, काइंड ऑफ इनकी सोच थी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई। अब मैं इनके बाकी बच्चों की बात नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखो हुमायूं के बारे में कुछ चटपटी बातें, हुमायूं के पिता का नाम तो आपको पता ही है, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। हुमायूं का जन्म जो है, इनका बर्थ हुआ था काबुल में 1508 में। तो ये किस उम्र में जो है बादशाह बन गए थे? माइनस करो 28, ये होता है आराधना जल्दबाजी का नतीजा, पेपर में इस वजह से नंबर कटते हैं। ठीक है, 22, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दी आंसर देने से कोई मतलब नहीं, सही आंसर होना चाहिए। बर्थ हुआ इनका यहां पर, और हुमायूं जो शब्द है ना उसका मीनिंग है फॉर्चून। अब ये देखो क्या आयरनी है, बट स्टिल ही वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? यानी नाम के ठीक उल्टा काम हो रहा है, नाम इनका ऐसा है फॉर्चून, और ये वैसा कुछ हो गया कि फॉर्च्यूनर जो है कोई एक सेंट्रो टाइप गाड़ी है जिसका नाम फॉर्च्यूनर रख दिया है, और एक्चुअल फॉर्च्यूनर आप दूसरी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ वैसी कहानी है। ठीक है, समझ गया, यानी ये नाम से फॉर्च्यून है लेकिन वैसे जो है ये डालडा के बराबर हो रहे हैं, यानी ये अनफॉर्चुनेट है पूरे तरीके। खैर आगे चलते हैं, बहुत बुराई हो गई इनकी, ध्यान से समझते हैं। आते ही युद्ध पे चले गए 1531 में, बैटल ऑफ दोहरिया, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, याद है वही 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 पिछले पन्ने वाले, फिर से ये हराएंगे लेकिन इस बार जो है चेकमेट कर देंगे एंड किल्ड। नसीरुद्दीन बिल्कुल सही, चलो पूरा नेम भी लिखवा ही देता हूँ, आपने लिखा है तो नसीरुद्दीन
मोहम्मद हुमाम, पूरा नाम भी लिख लेना, क्या पता क्या पूछ लिया सर। जी हाँ, ये जिंदा थे, नोट कर लिया आपने। ये आपको कई जगह जो है 1532 भी दिख जाएगा, इट हार्डली मैटर्स। 1532 भी दिखे तो वो भी चल जाएगा। अब आपका एक बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा, सर दोनों दिख गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर भी दिख जाए तो 1531 पे टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे हैं? नोट कर लिया आपने? नहीं दिशा, पहली बात तो ऐसा नहीं हो रहा, दूसरी बात इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी, तो मतलब क्या करेंगे जान के, वो भी बताता हूँ जितेंद्र। ठीक है, फिफ्टीन थर्टी टू हुमायूं अटैक्ड चुनारगढ़, वो पेन जो है पेंटैप पे टकरा रहा है। आपको तो इतनी डिटेलिंग चाहिए कि सर पंखा कितने नंबर पे चल रहा है, लाइटें कितनी लगी है कमरे में, लैपटॉप में बैटरी कितनी है आपके, कैमरा कौन से वाला है, क्या करेंगे ये सब जान के आप, फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। ये तो आपका हॉबी है पूछना लोगों से, सबका ही एक साथ कह रहा हूँ। 1532 हुमायूं अटैक्ड चुनारगढ़ फोर्ट, दिस इज नियर वाराणसी। ठीक है जी, अब यहाँ पर रहा करते थे शेर शाह। थोड़ा सा मैं आपको कहानी समझाता हूँ, अगले एक मिनट जो मैं बोलूंगा वो आपको कम समझ में आएगा, लेस कम समझ में आएगा। उसका रीजन ये है कि आपको हुमायूं अभी शेर शाह का बैकग्राउंड नहीं पता, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है शेर शाह यहाँ से भाग गए थे, वो कहीं और चले गए थे, वहां पर उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया, वो भी एक छोटे छोटे एज कम्पेयर टू मुगल डायनेस्टी। हाँ आप ये सब सुनते रहिए, आज साथ में नोट करते रहिए। वो एक छोटे इलाके के, वो भी एक तरीके के रूलर बन चुके, वो कैसे बने हैं, क्या बने हैं, उनका नाम क्यों शेर शाह है, वो सब आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी हुमायूं पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हुमायूं का एक छोटा सा दुश्मन है, छोटा क्योंकि हुमायूं को ऐसा लगता है कि मेरे एम्पायर के हिसाब से उसका एम्पायर छोटा है, तो हुमायूं जो है उन पर अटैक करने के लिए चुनारगढ़ का जो किला है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, वाराणसी यूपी वाले इलाके में है, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं आपको। अब ये चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और अटैक उस पर होता है, माना जाता है काफी समय तक वो अटैक चलता है, बट कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता। अब एक और कहानी यहाँ पर है, वो कहानी ये है कि उस किले के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से जो है शेर शाह सूरी का बेटा निकल के आता है और आपस में वो एक पैक्ट साइन कर लेता है हुमायूं के साथ। क्या थोड़ा थोड़ा बात को समझ पा रहे, यानी हुमायूं जो है वो शेर शाह के बेटे के साथ एक पैक्ट साइन कर लेते हैं। आपको याद है हुमायूं जो है ऑनेस्ट थे, अच्छे इंसान थे, दिल के बढ़िया इंसान थे, तो हुमायूं ट्रस्ट कर लेते हैं उस पैक्ट के ऊपर और वापस चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं आप, बट समय आता है वो देखते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई है, वो तो पैक्ट झूठा निकला। बैकग्राउंड में उनका ध्यान इस तरफ से हट जाता है और 1533 में हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये बहादुर शाह वो बहादुर शाह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये एक नॉर्मल बहादुर शाह है, आपको बस नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, 1533 में हुमायूं इन पे अटैक करते हैं और 1538 में इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये फिर से जाते हैं सेकेंड अटैक ऑन चुनारगढ़ के लिए। क्या बात को आप समझ पाए, पहले मैं आपके पास आया अटैक करने, आपने मुझे किस तरीके पैसिफाई करके यानी शांत करके वहां से भेज दिया, मेरा ध्यान दूसरे इलाकों पे हो गया, वहां पर मुझे जीत भी मिली तो मैं उधर ही फोकस करता रहा। एक पॉइंट आया जब मुझे समझ आ गया कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मैंने फिर से जो है चुनारगढ़ पे अटैक करा, वो हुआ है 1538 में। ठीक है जी, यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं। इस बार क्या हुआ है थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये लोग इधर से इधर जाएंगे ना, ये दिल्ली आगरा वाला इलाका तो यहाँ पर है, ये बंगाल बिहार वाला इलाका यहाँ पर है, यूपी में वाराणसी के आगे जाएंगे तो बंगाल पड़ेगा, उसके ऊपर की तरफ बिहार पड़ेगा। आज के मैप को मत देखिए, एक इन जनरल समझिए, फिजिकल मैप से समझिए, पॉलिटिकल मैप से नहीं। इस तरफ जाएंगे ना, ये यहाँ पहुंचे हैं, इस बार वहां से कोई निकल के नहीं आया। ठीक है, नॉक नॉक हुई, जैसे भी दिशा कह रही थी सर कोई डोर नॉक कर रहा है क्या, सेम अंदर से उन्होंने भी पूछा, वहां पे भी कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसकी दीवारें गिरा दी। अब दीवारें गिराने के बाद महल निकला पूरे तरीके खाली, जो किला था वो पूरे तरीके खाली था। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कहानी को, यानी सेकेंड अटैक के केस में वहां पे कोई था ही नहीं, पहले से सब वहां से फरार हो गए थे। अब इन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, अब क्या करें जी, अब इतनी दूर आए हैं, पार्टी कर लेते हैं। वहाँ देखा काफी कुछ खाने वाने का पड़ा हुआ है और सही से पार्टी जो है हो सकती है, और शेरशाह वहां से एस्केप कर चुका है, तो इन्होंने कहा चलो आगे चलेंगे, पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो इन्होंने वहां पर करी पार्टी, समझ पा रहे हैं बात को, हुमायूं ने वहां दावत करी और उसके बाद जो है इन्होंने कहा अब क्या करा जाए। फाइनली ये जो पूरी पार्टी का प्लान था, ये शेरशाह का ही प्लान था, शेरशाह ने इसे टाइम बाय करा अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर एक बैटल होगी अगले साल,
अब बिल देने का टाइम आ चुका है। 1539 में एक बैटल होगी, बैटल ऑफ चौसा, और इसके अंदर हुमायूं को हरा देगा शेर शाह, डिफीटेड, मारा नहीं है हराया है, डिफीटेड एंड किल्ड नहीं है, मरेंगे तो 1556 में। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आप शेर खान भी नहीं कह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन हुमायूं को इस मार पाते, उससे पहले हुमायूं किसी तरीके वहां से फरार हो गए। ठीक है, अब माना जाता है कि जब ये वहां से फरार हुए तो इन्हें ये जो है अपने घोड़े के साथ नदी में जो है कूद जाते हैं, और एक नाव वाला कोई जा रहा होता है वो इनकी जान को बचाता है, और बाद में वो एक दिन का जो है बादशाह भी बनता है। जो निजाम है वो हुमायूं जो है उसे एक दिन का बादशाह बनाता है उसके सम्मान में। निजाम सेव्ड, निजाम सेव्ड हुमायूं, एंड हुमायूं मेड निजाम एक दिन का बादशाह। तो नायक मूवी में जो हुआ है वो कुछ यूनिक नहीं है, वो पहले से ही चला आ रहा है, समझ पा रहे हैं? ये भी माना जाता है, एंड इशूड लेदर कॉइंस, उनके सम्मान में इन्होंने लेदर कॉइंस जो है इशू करे। इससे बड़ी अगली बैटल की तैयारी कर लेते हैं। अब समय बीत गया, 1539 निकल गया, 1540 में फिर से लड़ाई हुई, वो हुई बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको वो कहानी लिखवाता हूँ। दोबारा होती है एक बैटल, बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कन्नौज। सीधा पूछेगा बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई, 1540 ऑप्शन में होगा, टिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये होती है हुमायूं वर्सेस, नमस्ते जी, शेर शाह, डिफीटेड, इस बार बुरे तरीके हरा दिया है, एंड स्टार्टेड सूरी डायनेस्टी। देखिए माधव, मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं किसी की जान जाने वाली है, ठीक है, वो कोई बहुत महान इंसान है, मान लेते हैं इसी मुगल बादशाह को ही मान लो, अगर ये निजाम ना होते वहां पर तो क्या ये मर चुके होते? बिल्कुल मर चुके होते, लेकिन अगर इनकी जान बचाई गई है तो बदले में निजाम को खुश करने के लिए उसे एक दिन के लिए उस गद्दी पर बिठाया गया जिस गद्दी पर हुमायूं बैठते थे, ठीक है, जिससे कि उन्हें थोड़ी फील आ जाए कि हाँ मैंने किसी इंसान का भला किया है। बस इतनी सी कहानी है, और ये कहानी भी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, तो ये सब बताया जा रहा है, ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज होगी, और इसमें सूरी वंश की जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है जी, चले आगे दोस्तों, नोट कर रहे हैं ना आप सब कुछ। अब यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक इंडिपेंडेंट रूल बाय शेर शाह सूरी, सूरी डायनेस्टी। अब हुमायूं मरे नहीं है, यह काम करता हूं, पहले हुमायूं के बारे में दो चार बातें और बता दूं, हुमायूं को थोड़ा सा और, अभी हुमायूं दिमाग में चल रहा तो हुमायूं के बारे में कुछ बढ़िया बात बताता हूं। हुमायूं मैरिड हमीदा बानो बेगम इन 1541, ठीक है, 1541 में इन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, और उसके बाद ये चले गए अमरकोट। हुमायूं वेंट टू अमरकोट टू हिज फ्रेंड राजा वीर साल। ये अमरकोट जो है ये पाकिस्तान में है आज के टाइम पे, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और यही अमरकोट जो है दोस्तों यहीं पर जन्म होगा हुमायूं के बेटे का अकबर का, बर्थ प्लेस ऑफ बदरुद्दीन, बदरी का जन्म यहीं पे होगा, जिन्हें जो है अकबर के नाम से जाना जाएगा। सर हुमायूं अब तो बादशाह भी नहीं रहा तो शादी कैसे कर ली? अरे तो क्या हो गया, पैसा बहुत है, बादशाह ही तो नहीं है अभी, बस स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं। यहाँ उस समय ऐसा नहीं होता था, एसएससी नहीं निकली तो शादी नहीं करी, ये सब नहीं होता था भैया पहले, ठीक है, जीवन सही चल रहा है, बस वो सीट खाली हो चुकी है, दिल में दुख है बट बाकी सब सही चल रहा है। हुमायूं मैरिड हमीदा बानो बेगम इन 1541,
हुमायूं वेंट टू अमरकोट टू हिज फ्रेंड राजा वीरसाल। ये पता होना चाहिए राजा वीरसाल किसके अच्छे दोस्त थे, किसके अच्छे मित्र थे, या फिर ये पता होना चाहिए अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था, तो राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं। अभी हुमायूं बड़े उदास है, दिमाग खराब हो रहा है उनका कि क्या हो गया, मेरे पापा ने जो है इतना बढ़िया किंगडम बना के दिया, सिर्फ 14 साल में जो है मैंने उसे खत्म कर दिया, मैं उसे नहीं बचा पाया। ही इज वेरी सैड, ही थिंक्स ही इज वेरी बैड, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। ये जाते हैं यहाँ से मिलने। हुमायूं वेंट टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु अंगद देव। उस समय तक या इसके कुछ समय बाद भी जो सिख हैं और जो मुगल बादशाह हैं इनके बीच की ट्यूनिंग एकदम बढ़िया हुआ करती थी। इतनी बढ़िया कि आप देखें कि मुगल बादशाह जो है वो गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने गए हैं, और इस आशीर्वाद को लेने के बाद अब जो है ये कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपने साम्राज्य को बचाऊंगा, मेरे पिता का जो सपना है वो मैं खराब नहीं होने दूंगा, दिस दैट, अच्छी अच्छी बातें। यूट्यूब शॉर्ट्स देखे इन्होंने दिन रात, माना कि मुश्किल है सफर पर तुम हो मुसाफिर करके, वो जो गाने हैं वो सुने लाइन से, और उसके बाद जो है अपने सफर पे निकल चुके। 1545 में हुमायूं किल्ड हिज ब्रदर कामरान एंड कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। ठीक है, 1545 में हुमायूं ने अपने भाई की ही मृत्यु का कारण बना, उसके कत्ल किया और काबुल कंधार जो है उसे अपना बनाया। ठीक है जी, उसके बाद 1554 में हुमायूं कैप्चर्ड पेशावर, 1555 में हुमायूं कैप्चर्ड लाहौर। नहीं, ये मेरे शॉर्ट्स पे भी आते रहते हैं, विनी पता नहीं क्यों फालतू आते। कुछ नहीं होता इन्हें सुन के, विश्वास मानना मेरा, कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्लम पता है क्या, सक्सेस के लिए ना दिमाग में स्ट्रेस चाहिए होता है। आप नोट करो जब तक मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, स्ट्रेस नहीं होगा तो आप हिम्मत नहीं जो है मार पाएंगे, और ऐसे गानों को सुन के ना आपको लगता है कि अब हो जाएगा और आप रिलैक्स करने लगते हैं, और उस वजह से आपका एक आध दिन खराब हो जाता है, सच बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो आपके प्लान है आप किसे डिस्कस मत करो, आप बैठ के डिस्कस करते हैं, अरे मैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगा ये वो, आधा घंटा डिस्कस करो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो जो फायर है जिसके सहारे आप जाकर मॉक टेस्ट देने वाले थे वो खत्म हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा देने का, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इट आपको लगता है बंद है, उसके बाद वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है और वो आपके लिए बैकफायर करता है, नुकसान होता है। कुछ नहीं बताना चाहिए जी, वरना बुरा मत मानिएगा, मजाक बन के रह जाते हैं, अरे इसने तो 6 साल तैयारी करी तब इसका पेपर निकला। मत बताओ, किसी को मत बताओ, जब हो जाएगा तो पता लग जाएगा। भले मेरा मानना है, बाकी तो भैया जैसा आपको ठीक लगे वो करिए। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, हुमायूं डिफीटेड नसीब खान एंड तातर खान। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, चाहो तो लिख सकते हो बर्थ प्लेस ऑफ बदरुद्दीन अकबर 1540, ये लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए पता कड़वी बात क्या है, मैं बेटा बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, ऑलरेडी मैं बहुत हाई लेवल पे चल रहा हूँ, तो अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना एक बार खुद पढ़ लेना। एक्चुअली क्या है कि अफगानियों को उस तरफ से इस तरफ हराते हुए आ रहे हैं, ये काबुल कंधार वाले इलाके से चलेंगे, जैसे इन्होंने बीच में जो अस्करी को भी हराया, बट मैं थोड़ा सा सीमित रह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। कामरान को भी हराया, अस्करी को भी हराया, मैं देखिए वो लिखवा रहा हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है, थोड़ा सा ना कंटेंट उस तरीके का डिलीवर करा जा रहा है। पता है कड़वी बात बताऊँ, आज से करीब 10 साल पहले हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, हमने भी की, आज हर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब वो एसएससी हो सकता है, रेलवे हो सकता है, कुछ हद तक यूपीएससी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, बैंकिंग से भी अब लोग हट चुके हैं, बिकॉज बैंकिंग में भी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है और तनख्वाह हल्की सी कम है एसएससी से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और
रिस्पेक्ट के मामले में वो एसएससी के आगे कहीं नहीं अटकता। रिस्पेक्ट एसएससी में बहुत ज्यादा है, और ट्रांसफर्स में भी उसमें क्या है, पूरे देश में कहीं पे भी किसी भी छोटे से गांव में आपको फेंक देंगे। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप नंबर अच्छे लाते हो तो एक बढ़िया शहर में आप पूरा जीवन अपना काट सकते हो। तो और बहुत काम है बैंकिंग में, बहुत एफर्ट है, मतलब वो मजा नहीं रहा बैंक में काम करने में। 1555 बैटल ऑफ मछीवाड़ा मैंने आपको बता दिया, और फाइनली जो है 1555 में होती है एक और बैटल, आप भी इंजीनियर है, क्या बात है, बैटल ऑफ सरहंद, हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, ये इंपॉर्टेंट है, एंड रीगेन्ड द कंट्रोल। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, बट हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था, याद रखिएगा। ये कौन है, सही समय जब आएगा बता दिया जाएगा। नोट कर लिया, ठीक है। अब वापस आ गए हैं हुमायूं 1555 में, मुगल डायनेस्टी फिर से जो है रिज्यूम हो गई है, बट 1556 में हुमायूं डाइड ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। अब कुछ लोग कहते हैं लाइब्रेरी गए थे और उसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे और वहां पे गिर गए और मर गए। कुछ लोग कहते हैं छत से गिर के मर गए, अधिकतर किताबें लेकिन यही कहती हैं कि सीढ़ियों से गिर के मरे थे। मतलब ये को मरने का तरीका वो मुगल बादशाह का बढ़िया तरीके में मरना चाहिए, कुछ बम बम गिरे फट जाए इंसान तो लगे कि हाँ किसी की मृत्यु हुई है, सीढ़ी से गिरे मर गए, क्या मजा आया इसमें। लेकिन यही सच है, क्या कर सकते हैं। हुमायूं डाइड इन 1556 ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। जी हाँ, लाइब्रेरी का मतलब आज जैसी लाइब्रेरी नहीं, बट फिर भी हाँ होती ही होगी। देखिए 1556 इतना भी पुराना समय नहीं है, इस समय तक आते आते आप देखिए फोर्ट्स हैं, एम्पायर से जो पूरे के पूरे किले बने हुए हैं, लोग अलग महल बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी भी जाहिर सी बात है होगी, ठीक है। अब ये मर गए, और इनकी जो टोम्ब है ये बहुत फेमस टोम्ब है, पता ही होगा आपको, हुमायूं टोम्ब, ये है जी दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा पर्शियन में। जिसे क्या कहा जाता था बायोग्राफी को, हुमायूं ठीक है जी। ये कौन थी गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर, सिस्टर ऑफ हुमायूं, एक्चुअली हाफ सिस्टर थी, हाफ सिस्टर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बट अगेन इतना डेप्थ में जाने की कोई नीड नहीं है। मैं एक बढ़िया बात आपके लिए लिखता हूँ, गुलबदन बेगम, एक ही लाइन में काफी कुछ आपको समझ आ जाएगा, हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं। हाफ का मतलब होता है, देखिए सिस्टर ब्रदर वो जिनके मम्मी पापा दोनों सेम है, हाफ तब लग जाता है जैसे कि पापा सेम है मम्मी अलग अलग है, या मम्मी सेम है पापा अलग अलग है, ठीक है। हाफ सिस्टर का मतलब होता है कि जैसे मदर दोनों की अलग अलग है, फादर दोनों के सेम है, तो उसमें हाफ लग जाता है, ठीक है। हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं रोट हुमायूं नामा on request of her nephew, पेन थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, अकबर। नोट कर लिया,
अब मैं हुमायूं को यहां पर समाप्त कर रहा हूं, अब हम वापस चलते हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जो इनकी मदर का नाम है वो माना जाता है, वैसे तो इनके बारे में इतना ज्यादा गिवन है नहीं, बट माना जाता है इनके पिता जो है वो बाबर ही थे, लेकिन मदर जो है वो इनकी दिलदार नाम की एक महिला थी। तो मदर अलग हो गई है लेकिन फादर सेम है। हाफ का मतलब आपको समझ आ गया? ये इतना डेप्थ में मुझे वैसे जाने की नीड है नहीं, बट फिर भी अब पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी अच्छी बन जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी एक बहुत छोटी डायनेस्टी है, बहुत छोटी, 15 साल की डायनेस्टी है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में इसका नाम अच्छे से दर्ज है बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कुछ ही समय में इतना कुछ कर दिया था कि माना जाता है कि अगर ये लंबा जी जाते तो हो सकता है अकबर द ग्रेट जैसे हम कहते हैं उसी तरीके में शेरशाह सूरी द ग्रेट भी कहते हैं। आज भी आप देखेंगे शेरशाह एक कॉमन सा नाम है। अभी मूवी भी आई थी है ना, आपको पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा वाली जो मूवी है उसमें जो उनका कोड नेम है वो शेरशाह ही तो रखा गया है। मतलब ये नाम मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, सोच के देखिए एक इंसान है जो थोड़े से समय राज करता है जिसकी डायनेस्टी 15 साल की, वो नाम फिर भी इतना फेमस है कि आज भी हम सबको वो नाम पता है, तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया ही होगा है ना। तो सूरी डायनेस्टी जो है ये चलेगी 1540 से 1555, यानी बिल्कुल विवेक, लेकिन अभी ये जिंदा है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, सासाराम तक भी, अभी के लिए जिंदा है, अभी ने जीने दो थोड़ी देर, 10 मिनट, ठीक है। याद रखेंगे ये एक अफगानी थे, अफगानी, ठीक है, अफगानी थे। आपको याद है दो डायनेस्टी हमने अफगानी पढ़ी है, फर्स्ट अफगानी लोदी डायनेस्टी थी, सेकंड अफगानी जो है सूरी डायनेस्टी। चेक करो सही है नहीं है स्प्रूस, अगर आपको ये डेटा भी याद नहीं है स्प्रूस, मैं इन पर्सन नहीं कह रहा, ओवरऑल कलेक्टिव वे में कह रहा हूँ, तो इसका मतलब रिविजन में कमी है। देखिए अगर आपको कहानी याद है ना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड टाइम में डेटा याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? पहली बार में कहानी समझेंगे, जब खुद रिवाइज करेंगे तो फैक्ट्स याद होने चाहिए। आपको बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा के एग्जैक्ट ईयर याद होना चाहिए, ओवरऑल हुई थी वो पेपर में मदद नहीं करेगा। सेकेंड टाइम में डेटा पे ज्यादा फोकस करना होता है, फर्स्ट टाइम में थ्योरी की जो एक क्रोनोलॉजी है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। खैर आगे चलते हैं, ये भी ध्यान रखना कि शेर शाह सूरी ने जो सूरी डायनेस्टी बनाई है इसके पहले और बाद हुमायूं ही बैठे थे और जिंदा बैठे थे, यानी सूरी वंश जब बना था तो उस समय कौन रूल कर रहा था, सूरी वंश जब खत्म हुआ था तो कौन रूल कर रहा था, दोनों केस में आंसर आपका सेम रहेगा, हुमायूं, ठीक है जी। सूरी वंश के फाउंडर जो है वो सिर्फ 5 साल जीते हैं, फाउंडर है शेर शाह सूरी, 1540 से 1545 तक जीते हैं, कोई बात नहीं स्प्रूस, और ये जीते हैं मतलब ये रूल करते हैं फॉर 5 ईयर्स। अब इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, रियल नेम फरीद, बर्थ 1486, होशियारपुर, ये अपने वाला पंजाब है, फादर हसन खान, और ये जो थे एक जमींदार थे जौनपुर के, लैंडलॉर्ड ऑफ जौनपुर, और इनकी एजुकेशन जो हुई है अर्ली एजुकेशन वो हुई है जौनपुर से, जी हाँ यूपी वाला जौनपुर, जहाँ की जहाँ का कंट्रोल मुन्ना भैया लेने गए थे शुक्ला जी से, ठीक है। रियल नेम बता दिया, बर्थ बता दिया, फादर बता दिए, अर्ली एजुकेशन बता दी, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, वो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो बार बार लिखने का सेंस नहीं है, ठीक है। जब समय, अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चलेंगे, जब ये बड़े हुए उम्र में तो ये फाइनली जो है बॉडीगार्ड बन गए, किसके, बिहार के एक शासक थे बहार खान लोहानी, उनके, ही बिकेम द बॉडीगार्ड। हाँ वही वाले हैं, लेकिन उनके बेटे के पास गए थे कंट्रोल लेने मुन्ना भैया, ही बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी, द रूलर ऑफ बिहार। फटाफट नोट कीजिए प्लीज, ठीक है जी।
क्या आप इस बात को मानते हैं कि सेकंड अफगान एम्पायर शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया सूरी वंश है? अगर ऐसा मुश्किल सवाल पेपर बनाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड अफगान एम्पायर वॉज ऑफ सूरी डायनेस्टी, सेकंड अफगान एम्पायर का जो टेन्योर है वो ये है। इस तरीके के सवाल बनेंगे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी है जिसमें कितनी जाने ये तो ऊपर वाला जाने, बट जो कहानी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बहार खां जो लोहानी है, एक बार शिकार पे गए। एक्चुअली सौरभ थोड़ा सा उसके लिए और डिटेल में जाना होगा। जो इनके फादर है ना हसन खान, इनका पूरा नाम है हसन खान सूर, SUR, और ये लोधियों के समय से जो है इस इलाके पे रहा करते थे। मतलब लोधियों के समय से ही जो इनका परिवार है वो इस इलाके की जो जागीरदारी है, जिसे मैंने लैंडलॉर्डशिप लिखा है पीछे, वो संभाला करते थे। तो ये एक्चुअली लोधियों के ही एक रिलेशन की एक पर्सनैलिटी थे, बट लोधी क्योंकि एक एम्पायर था तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। यानी थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ। जो हसन खान लोहानी है, सॉरी हसन खान सूर है, वो लोधियों के समय से इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेके बैठे थे, यहाँ के जागीरदार थे। उनकी मृत्यु के बाद फिर से ये पावर में है, क्योंकि अब इन्होंने एक डायनेस्टी बना दी, इसलिए उसे सेकंड अफगानी डायनेस्टी कहा गया। सेकंड क्यों? क्योंकि बीच में ब्रेक आ चुका है, मुगल आ चुके हैं। ये सब कहानी अच्छी बात है आप जानना चाहते हैं, बट मैं थोड़ा सीमित इसलिए रहता हूँ बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा हमें चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी है। बहार खान लोहानी जो है शिकार पे गए, और शिकार पे गए और जंगल के अंदर एक खो गए। थोड़ा थोड़ा कहानी ध्यान से बात को समझिए। बहार खान लोहानी खो गए जंगल में। किसने कहा था तुम्हें शिकार पे जाने को? और वहां पर इनके साथ जो इनके बाकी सैनिक वैनिक थे वो सब भी इधर उधर हो गए। तो ये और बच गए शेर खान, बस सामने से आ गया शेर। फरीद बच गए, यानी समझ पा रहे हैं बहार खान लोहानी जो है और यहाँ पर फरीद है, ये दोनों बच गए। अब शेर ने अटैक करा और फरीद ने तलवार निकाला और एक ही झटके में जो है शेर की हत्या कर दी और शेर को कर दिया ढेर। अब शेर हो गए ढेर तो बहार खान लोहानी हो गए खुश। अब वो खुश हो गए तो इन्होंने कहा कि आज से तुम हो शेर खान। वो तो जो शेर बेचारा पड़ोगा यार ये क्या बात है। खैर ये कहानी है थोड़ी सी मैंने आपको सुनाई है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर SSC है, ठीक है। शेर हुए ढेर और बहार खान लोहानी ने फरीद को दर्जा दिया शेर खान का। क्या बात को आप समझ पाए? यानी फरीद जो है वो बन गए शेर खान। अब एक तलवार के एक झटके में ऐसा हुआ हो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट कहने में हर्ज क्या है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फरीद बन गए शेर खान और ये टाइटल इन्हें दिया बहार खान लोहानी ने, ठीक है जी। उसके बाद जो है बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई। शिवराज देखो इससे दो बातें पता लगती है, एक तो क्लास में फोकस नहीं है, है ना, और दूसरी बात आप बताओ क्या पता लगती है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, फोकस नहीं है तो लिख दो यार, क्या जाता है, फोकस तो है ही नहीं, है ना, बुरा लगा ना, ऐसा काम मत करो। देखो बहार खां लोहानी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कोई और दूसरा बच्चा कहाँ से क्या पढ़ रहा है, कुछ सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं बताने वाले सामने वाले लोग, वो मुझसे पढ़े हुए लोग हैं, इतनी आसानी से नहीं बताते। बहार खां लोहानी जो है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ये सब निंजा टेक्निक वाले बच्चे हैं बेटा, ठीक है, यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं। बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई और जो इनका बिहार वाला इलाका था क्या अब ये खाली पड़ा है? तो शेर खां कहते हैं वाई नॉट, मैं ही जो है इसे संभाल लेता हूं। यानी शेर खां टुक कंट्रोल ऑफ बिहार। पार कर दो कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। यानी बिहार चला गया है कंट्रोल में शेर खान के, फाइन कोई दिक्कत। अब बंगाल में, अब देखो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर करता हूँ। हुमायूं तो बैठा है मुगल डायनेस्टी को पूरा अपने कंट्रोल में लिए, ये जो दिल्ली वाला इलाका है वो इसके पास है। बिहार में कौन बैठा है? अब शेर खान। और बंगाल में कौन बैठा है? महमूद लोधी, याद है ना, महमूद लोधी जिसे हुमायूं भी मारने वाला है बस, और मार दिया। यानी महमूद लोधी निपट गए, तो अब बताओ बंगाल भी किसका हो गया? बंगाल भी इनका हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, यानी शेर खान ने अब ये सारे इलाके अपने कब्जे में ले लिए। इसी वजह से इस डायनेस्टी को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि थोड़े से समय में जो है इन्होंने काफी कुछ कर दिया, ठीक है, नोट कर लिया। फाइनली जब इन्होंने ये सब कर दिया तो इन्होंने कहा मैं शेर खान नहीं हूं, मैं हूं शेर शाह सूरी। इनफैक्ट ये यहाँ पे रुके नहीं, 1540 में जैसे ही इन्होंने डायनेस्टी अपनी बनाई तो 1542 में ही जो है ये इन्होंने टुक कंट्रोल ऑफ मालवा, देन चंदेरी, देन मारवाड़, रणथंबोड़,
नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। समझ पा रहे हैं क्यों ये इतने से समय में इतना कुछ कर गए? क्योंकि इन्होंने जब हुमायूं को ही हरा दिया तो फिर तो कौन ही बचा है, मुगल बादशाह को हरा चुके हैं, तो ये बहुत ही स्पीड में सब इलाकों को जो है कैप्चर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं, जो मैंने नाम लिखे हैं वो एक तरीके के ट्रेंड में लिखे हैं, यानी ये बंगाल से बिहार वाले इलाके को लेते हुए एमपी वाले इलाके से आगे की तरफ गए हैं और राजस्थान को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। बाय 1545 इनके पास कंट्रोल हुआ करता था सिंध से लेकर बंगाल तक का। सोच के देखो 4-5 साल में क्या हो गए, और यहाँ कट ऑफ में निकल रही हमसे, क्योंकि ये जो है समझ गए ना, ये पढ़ाई करते थे अच्छे से। आगे चलते हैं, मालवा वाला इलाका लेकिन बीच में बच गया था, मालवा वाला इलाका जो है बच गया था 1545 में, मालवा नहीं बुंदेलखंड वाला इलाका बच गया था, बुंदेलखंड पर अटैक करा, और इसी को बोलते हैं कालिंजर मिशन ऑफ शेर शाह सूरी। ये कालिंजर मिशन में क्या हुआ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी और भी काफी सारी डिटेल में आपको यहां दूंगा। ही डाइड ड्यू टू उक्का, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ड्यू टू एक्सीडेंटल ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर। ये उक्का क्या है, ये एक तरीके का है आग वाला गोला। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए उसके बाहर ये तोप लेके खड़े हैं, अब ये अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारी कहानियां हैं, एक कहानी कहती है कि ये उक्के का इस्तेमाल करते थे, यानी जो गोला है उस पे आग लगा देते थे और उस गोले को जो है फिर फायर करते थे, जिससे कि जब वो गोला वहां पहुंचता था वहां के लोग जल के मर जाते थे काइंड ऑफ, ठीक है। अब वो आग वाला गोला से कुछ चिंगारी जो है साथ में गिरी, वहां पे गन पाउडर पड़ा हुआ था, गन पाउडर में आग लगी, ये फटके मर गए, ठीक है। एक कहानी ये कहती है, एक दूसरी कहानी है जो मुझे लगता है पूरे तरीके गलत है बट फिर भी सुना देता हूँ। वो कहानी कहती है कि उक्का गया टकराया और वापस आया, मतलब क्या ही मजाक चल रहा है, मुझे सीमेंट की दीवार नहीं होगी, बट स्टिल जो कहानी है आपको मैं बता रहा हूँ, कहानी ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर वाली है ज्यादा सही है। मुझे लगता है उक्के की चिंगारी से गन पाउडर में आग लगी होगी, उसकी वजह से ये तबाही हुई होगी, ठीक है जी। यहां तक आप बात को समझ गए, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टोम या टोम ऑफ शेर शाह सूरी सासाराम में, जो कि बिहार में, ठीक है जी। अब इनकी मृत्यु के बाद कई सारे और लोग जो हैं आएंगे, इब्राहिम इस्लाम शाह सूरी है और आदिल शाह सूरी है, कई सारे लोग आएंगे, तो आखिरी नंबर पे आएंगे शेर, वो सिकंदर सूरी, मैं आपके लिए लिख देता हूँ ये सब, शेर शाह सूरी। ये नाम याद नहीं करने हैं, इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो, इस्लाम शाह सूरी, आदिल है मुश्किल शाह सूरी, और फिर सिकंदर सूरी, ठीक है जी। सिकंदर सूरी जो है ये लास्ट सूर किंग या रूलर होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। लास्ट सूरी रूलर या लास्ट सूर रूलर होंगे, और इसके बाद फिर से जो है हुमायूं आ जाएंगे। अब आदिल शाह सूरी जो है ना, इनके समय में ना, इनके जो वजीर हैं या पीएम कहें हम, इन्हें प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम था हेमू। गुड आफ्टरनून। ये हेमू जो है, अब होगा क्या यहाँ पर दोस्तों, आपको पता है ना सिकंदर सूरी को हराएंगे हुमायूं, कलर इसलिए बदला है क्योंकि डायनेस्टी चेंज हो गई है, सिकंदर सूरी भी निपट ली, अब हुमायूं के मरने के बाद अगले नंबर पे जब आएंगे तो वो आएंगे अकबर, लेकिन अकबर के आने से पहले यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर हेमू जो है इस गद्दी को पाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी आपको मैं पढ़ाऊंगा जब अकबर के बारे में बताऊंगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है नवंबर 1556 वाली। अभी के लिए जो है जो मैसेज मेरा आप तक है वो ये है कि
शेर शाह सूरी मर गए, फिर और लोग आए, सिकंदर सूरी आखिरी सूरी शासक थे, फिर हुमायूं आए, हुमायूं भी मर गए, फिर ये जो इस आदिल शाह सूरी के समय के एक वजीर या प्रधानमंत्री थे, ये आकर लड़ेंगे अकबर से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या सारी बातें क्लियर हो गई हैं? नोट भी आई होप आप करते चल रहे होंगे। अब सूर्यवंश को खत्म करने से पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ। शेर शाह सूरीज, आदिल शाह जो हैं, उनके एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था हेमू। वो हेमू तो जिंदा है, भले आदिल शाह निपट गए हैं, वो हेमू ही आगे चल के हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर से लड़ेंगे फर्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, नमस्ते राम। शेर शाह सूरीज रिफॉर्म्स, सबसे पहले ही मेड द गवर्नेंस हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये कंटेंट पिछले क्लास पिछले कोर्स में नहीं होगा, ये कंटेंट सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मेंस में जीके आ गई है और उसमें इनकरेक्ट वाले सवाल पूछे जाने लगे हैं और वो मुश्किल सवाल आ रहे हैं। ठीक है, यस स्टडी कि वो आपको दे देगा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड और आपको कहेगा बताओ कौन सा गलत है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ शेर शाह दीवान ए वजारत, इन्हें ही वजीर कहते थे, और ये जो थे हेड ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस थे। दीवान ए अरीज आर्मी हेड, दीवान ए वसालत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, ऊपर वाले डिफेंस मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश की क्लासेस अंकित अभी नहीं हो रही हैं बेटा, अभी के लिए बस मैं और शुभम सर ही आपको पढ़ा रहे हैं प्रतियोगिता मंत्रा टीम की तरफ से। अगर उषा मैम आपको पढ़ाएंगी तो मैं उस बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। यूजर क्लास की पीडीएफ आप सेशन खत्म होने के आधे घंटे के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से प्रिंटेड कंटेंट आपको नहीं मिलता है, जो मैं लिख रहा हूँ इसकी एनोटेशन ही आपके लिए मेरी तरफ से दी गई पीडीएफ से। क्या आपने इस नोट कर लिया? एक और बस लिखवाना है, स्पेस की कमी है, अगले पेज पे लिखता हूँ। चार मंत्री मैंने बस आपको पढ़ाने हैं, दीवान इंशा मिनिस्टर और कम्युनिकेशन। बताता हूँ फर्स्ट क्या है, दीवान ए वजारत VIZARAT, जिसे वजीर बोला जाता था। मैं सच बता रहा हूँ, पेपर में अगर ये आ गए ना तो बनेंगे नहीं, डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आज से 6 महीने के बाद जब वो कहेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स ऑफ शेरशाह एम्पायर, ये नहीं बनेंगे, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कहानी समझ आ जाने में और इस डेटा को याद करने में फर्क है, मेहनत लगेगी। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है, यानी जैसे एक एम्पायर का कनेक्शन जो दूसरे एम्पायर से मेंटेन करता है, जैसे कि सूरी वंश ने मान लेते हैं कोई कनेक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल मुगल वंश से, वैसे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था फिर भी, तो वो काम का जो जिम्मेदारी है वो इसकी होगी। जैसे आज एस जयशंकर जी का जो काम है ना, वो काम उस समय दीवाने रसालत का होता था। जी हाँ, हो जाएगा प्रगति, फिर भी एक रिकमेंडेशन है, एक बार लिख लीजिएगा, लिखने से ना बहुत अच्छा याद होता है, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आप वर्ड ऑन वर्ड फोकस करते हैं, स्पेस 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 पे, तो जब आप लिखकर याद करते हैं तो अच्छे से याद होता है, ये फैक्ट है। तभी तो बचपन में हमें घर पे जब पढ़ाया जाता था तो कहते थे कि सारे आंसर्स लिख कर दिखाओ, बिकॉज लिखने में और सिर्फ पढ़ लेने में फर्क होता है। मैं अपने जीवन में जितना भी पढ़ा हूँ मैंने सब लिख कर ही पढ़ा है। जी हाँ, सोशल वगैरह सब मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर पे जो है मुझे भेजा नहीं जाता था दिवाली पे पटाखे फोड़ने, पहले कहा जाता था कि पूरे जो क्वेश्चन आंसर है वो लिख के दिखाओ, और उसी वजह से वो चीजें याद भी हो जाती थी, ठीक ठाक आ जाते थे मेरे नंबर। आगे चलें, मैंने आपको चार मिनिस्टर्स बता दिए हैं, तीसरे नंबर पे शेर शाह डिवाइडेड his empire into सरकार्स, और इसका काउंट कितना होता था, 47
सरकार, समझ गए? ऐसा मानो जैसे हमारा देश राज्यों में टूटा है, ऐसे इनका एम्पायर जो है 47 सरकार में टूटा हुआ था। ये शायद मैंने पिछली बार ये सब नहीं लिखवाया होगा, आप इसे नोट कर लो, ठीक है? ईच सरकार, हाँ डिस्ट्रिक्ट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ईच सरकार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ शिकदार और चीफ मुंसिफ। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, कुछ पुलिस जैसा मान लो ऑर्डर, और ये जो है जस्टिस देखते थे, यानी जज साहब मान लो। जी हाँ अंकित, ठीक है, क्या मैं इन्हें मिलिट्री हेड भी कह सकता हूँ? क्योंकि पहले पुलिस जैसा कुछ नहीं होता था, मिलिट्री आप कह सकते हैं, मिलिट्री हेड। तो ये मिलिट्री हेड, और आप इसमें फर्क समझ पा रहे हैं, वजीर में क्या फर्क है? आप ऐसा समझो एक वजीर बैठा है जो कि पूरे एम्पायर का है। अभी जो 47 छोटे छोटे पीसेज है, हर एक में एक इंसान बैठा है जो कि वजीर को रिपोर्ट कर रहा है, उसे बोला जाएगा चीफ शिकदार। क्या आपको दोनों में फर्क समझ आ गया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर में। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे, ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू परगनास। जी हाँ, MUNSIF, परगनास। समझ पा रहे हैं, जैसे एक जिले में कई सारे शहर हैं, ऐसे एक सरकार के अंदर कई सारे परगना हैं। यहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर होता था उसे शिकदार बोलते थे। ये मुश्किल डेटा है दोस्तों, विदाउट एनी डाउट। तो अगर आप अनकंफर्टेबल है इसे देख के, तो इट इज ओके। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर आमीन, ट्रेजरर फीतेदार या हो सकता है इसे और किस तरीके प्रोनाउंस करते हो, FOTEDAR है ये, अकाउंटेंट कारकुंस, ट्रेजरर। में थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो गई है, रुकिए मैं साफ साफ लिखता हूँ। KARKUNS, KUN सिंगल, अच्छा डबल एस आता है क्या, चेक कर लेना उसको भी। बिल्कुल अभिषेक, ये सब पुराने शब्द ही तो हैं जो यहाँ तक आए हैं। आमिर एमिरेट्स क्या है? एमिरेट्स आमिर के द्वारा गवर्न करा गया एक इलाका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या है? अरब के जो आमिर हैं उन सबका मिलाकर जो एक एरिया है। तो नाम वही चलते आ रहे हैं तब से अब तक। नोटेड, नहीं फिर से नहीं बनाने हैं परफेक्ट, बट बस कुछ पेजेस ऐड करने हैं। जो पैसे का जो है ख्याल रखता है सुजन, जैसे ट्रेजरी का मतलब पैसा, तो जो उस जिसके हाथ में वो है, वो खजाना जो कंट्रोल करता है। बेटा सब बताऊंगा, प्रेस थोड़ा समय तो है ना। पद्मावत, वॉज रिटन बाय मलिक मोहम्मद। मैं अभी बताऊंगा, एक काम करूंगा, ये पूरा पोर्शन रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। जायसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह सूरी। तो यहां से भी कंटेम्प्रेरी वाला पॉइंट बन सकता है। वो नहीं थे मेहनाज, क्योंकि नहीं दो नहीं है, वही वाला है। बैंक उस पेज को जाके देखोगे तो यही आपको यही सेम डेटा मिलेगा। ट्रेजरर, TREASURER, अच्छा ठीक है, TREASU ठीक लिखिए, मतलब मैंने ठीक है, कहीं गड़बड़ हो तो बता दिया करो। मैं कोई वो 60 साल वाला टीचर नहीं हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो मैं बुरा मान जाऊँ, बच्चे ने कैसे कह दिया, इट इज ओके। बहुत कुछ लिखना होता है, कई बार प्लस माइनस हो जाता है। ईच सरकार वो देखो, ऐसा इमेजिन करो एक देश है जो कि सूरी भाई का देश है, ठीक है, शेर भाई का देश है।
उस देश को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया 47, जिसे कहा गया सरकार। हर छोटे हिस्से को एक राज्य मान लो, उस राज्य को छोटे छोटे जिलों में तोड़ दिया, हर जिले को परगना कह दिया गया। समझ पा रहे, परगना का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं आगे जाके सरकार के लोगों को, जिसके दो हेड के नाम मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, टोटल कितने सरकारें थी, 47 थी। एक सरकार में कितने परगना आते थे ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, जनरली डिपेंडेंट की वो सरकार बड़ी है या वो सरकार छोटी है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों। आगे चलते हैं, कितने पॉइंट लिख दिए मैंने, चार ना, पांचवें नंबर पे ही कंस्ट्रक्टेड शेर शाह सूरीमल, पद्मावत वाली स्लाइड। अच्छा हाँ, मैंने ये पॉइंट लिखा है, कोई से बीच में से हटा देता हूँ, नोट कर लो। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट ही कंस्ट्रक्टेड, गुड आफ्टरनून, शेर शाह सॉरी मार। अब देखिए, क्या आपको लगता है 5 साल में एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बांग्लादेश जा सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के रास्तों को बस जोड़ा गया है एक सिंगल रास्ता बनाने के लिए, उसमें कुछ काम करे गए होंगे, बट अगेन ये जो क्रेडिट है वो शेरशाह सूरी को ही दिया जाता है, तो हम उसी तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो रास्ता है शेरशाह सूरी मार्ग, एक्चुअली बहुत लंबा रास्ता है, मैं आपको ऐसे बस एक रफ वे में बना के बताता हूँ। ये आज के समय, क्योंकि भारत के अंदर वाले हिस्से की हम बात कर सकते हैं, तो ये अमृतसर तक जाता है जो कि पंजाब में है, और यहाँ से कोलकाता तक जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अमृतसर से कोलकाता, अगर आप थोड़ा बहुत मैप को जानते हैं तो आपको पता होगा अमृतसर के ठीक बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वाघा बॉर्डर अगर आपने सुना है तो वो अमृतसर से 15-20 मिनट 25 मिनट दूर है, गाड़ी से आप आराम से जा सकते हो वाघा बॉर्डर। तो इसका मतलब वहां पे हमें रुकना होगा। इधर कोलकाता जो है वो बांग्लादेश के बिल्कुल पड़ोस में है, इसी वजह से जो है आगे की तरफ जाना कोई सेंस नहीं है। तो यानी भारत के अंदर जो शेरशाह सूरी मार्ग का हिस्सा आज हमारे पास है वो अमृतसर से कोलकाता तक, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अब एक्चुअली ये जो आगे तक और जाता था, ये जाता था सुनार गांव तक, और इस तरफ जो है ये आगे तक जाता था पेशावर तक। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पेशावर पे भी नहीं रुकता था, ये तो और आगे तक गया था, माना जाता है जी ये तो काबुल तक गया था, बट अधिकतर किताबें जो हैं वो आज भी ये पेशावर वाली बात को ही मानती है। काबुल इसलिए बता रहा हूँ कि कल को खुदा ना खास्ता जो है आपको कहीं दिख जाए काबुल, तो आप उस केस में उसे भी टिक करने योग्य। ठीक है, एक्चुअली पेशावर से सुनारगांव और अमृतसर से कोलकाता, यही दो फैक्ट्स हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्रोल में अमृतसर से कोलकाता है, एक्चुअली पेशावर से सुनारगांव था, बट कुछ किताबें कह देती हैं कि इट यूज्ड टू बी एज लॉन्ग एज टिल काबुल, काबुल तक ये हुआ करता था। ठीक है, यही जीटी रोड है, जी हाँ, यही ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या करा, ही बिल्ट माइलस्टोन्स, जिसे कोस मीनार बोला जाता था। सिटी है पेशावर जो कि पाकिस्तान वाला है, और इस तरफ सुनार गांव है जो कि बांग्लादेश वाला है। कोस मीनार जो आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, आपने कभी आप सड़क पे कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे साइड में पत्थर होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये कौन से नंबर का हाईवे है, वो स्टेट है या नेशनल है, और कौन सी चीज कितनी दूर है, अभी दिल्ली कितना दूर है, इस तरीके लिखा होता है। वो कॉन्सेप्ट माना जाता है, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ऑन शेर शाह सूरी मार्ग। ठीक है, साथ में ही बिल्ट, ये खुद नहीं बना रहे हैं जाके, ये नहीं सुबह सुबह जो है छेनी हथौड़ा लेके निकल गए बना रहे। ही बिल्ट का मतलब दीज थिंग्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रूल, ही बिल्ट इन्स, INMS, जिसे सराय बोला जाता है, 1700 इन्स बनाए इन्होंने, 1700 सराय। ये क्या होते थे, ये होते थे वेटिंग एरियाज, आपने सुना होगा सराय कई नामों के आगे, है ना, सराय काले खां, ऐसे कई सारे नाम आपने सुने होंगे, वो यही सराय है। जब इतना लंबे रास्ते पे कोई जाएगा तो बीच में चाहे तो आराम कर सकता है। दीज वर रेस्टिंग प्लेसेस, INMS, रुकने की जगह, बीच में वेट करना है तो आप कर सकते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल, चलें आगे। ही स्टार्टेड
बिल्कुल हो सकता है सैंकफर्ड, सराय शब्द यहीं से आया है मतलब। जी हाँ वैभव, बड़ी हैरानी की बात है ना, इसलिए ये इतने फेमस है। ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइन्स, जिन्हें रुपया बोला जाता था, और कॉपर कॉइन्स, जिन्हें दाम बोला जाता था। जो भारत की करेंसी है वो इन्हीं के द्वारा, यही से उसका ओरिजिन है। हाँ बिल्कुल श्रेया, ही स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज, इन्होंने अपना टाइम, हाँ बिल्कुल, तब इंस्टाग्राम नहीं होता था ना। ही स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज, ये ध्यान रखेंगे। और ये ही यूज्ड हुलिया दाग सिस्टम, वही वाला जो खिलजी वाला है, हुलिया दाग सिस्टम। ही रीनेम्ड पाटलिपुत्र टू पटना। डाक सेवा श्रेय, चलें आगे। नोट कर लिया आपने, माना जाता है जो सासाराम का इनकी इनकी टोम्ब है, वो भी इन्होंने ही बनवाई थी मरने से पहले। मतलब इन्हें पता ही था कि मैं मर जाऊंगा, एक टाइम आएगा, तो वो भी इनके द्वारा ही पहले से ही बनवा के छोड़ी गई थी। ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ न्यू वॉल्ड सिटी इन दिल्ली which later came to be known as पुराना किला, ओल्ड फोर्ट। पुराना किला कहाँ पर है, किसने बनवाया, आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, दिल्ली वाला। डाउट मैं लूंगा 2:30 बजे के आसपास, 6:30 तो बज ही गए हैं वैसे। चलें आगे। एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ ऐड कर लो, वैसे तो पेपर पूछता नहीं बट फिर भी लिखवा देता हूँ। गोल्ड कॉइन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, गोल्ड कॉइन्स को मोहर बोला जाता था। थोड़ा सा इसे नीचे लिखना पड़ेगा। एक और लाइन अगर वहां पर हो तो गोल्ड भी ऐड कर लो, गोल्ड सिल्वर मोहर, सिल्वर को बोला जाता था रुपया और कॉपर को दाम। वॉल्ड मतलब जैसे किले होते हैं, किले की दीवारें होती हैं। मान लो एक ऐसा इलाका है जिसकी बाउंड्री बस उन्होंने शुरू कराई फिर वो मर गए। वॉल्ड सिटी का मतलब जिसकी एक बाउंड्री है बस। ठीक है जी, क्या आपको कंटेंट में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है? देखिए मेंस लेवल कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी एसएससी क्या पूछेगा वो तो एसएससी ही जाने। हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं बस, आप और हम मिलके। तो अपनी तरफ से आप इसे सीखते चलिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ से पूछा जाए और आपसे ना बने। अगर कोर्स के बाहर आ गया आपसे ना बना तो वो मेरी गलती, अगर कोर्स के अंदर से आ गया तो आपसे और आपसे ना बना तो आपकी गलती। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? अगर कोर्स से बाहर से आया और ना बना, मेरी गलती। अगर कोर्स के अंदर से आया और ना बना, आपकी गलती। और मैं जब अपने कोर्स की बात करता हूँ, मेरा मानना है, मेरा कोर्स का मतलब होता है थ्योरी कोर्स प्लस एमसीक्यूज, जो आपको मैं स्पेशल और प्लस में कराता हूँ। गलत तो नहीं कह रहा? यानी मेरे लिए जो मेरा कोर्स वर्ड मैंने भी बोला है, उसकी डेफिनेशन है पूरी थ्योरी प्लस पूरी प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ बस। तो कल को आप कहो कि सर ये सवाल, ओहो पूरी स्लाइड हट गई पापियों, ये मैं डायलॉग भी अपना जो है बीच में रोक चुका हूँ। मुझे बताना इस स्लाइड पे क्या लिखा था, पूरी स्लाइड ही डिलीट हो गई, मैं गोला हटाने लगा वो सब हट गया। बताएं जरा पटना के बाद क्या लिखा था, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, भारी मन से मैं बात कह रहा हूँ। बताओ इसके ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, पुराना किला वाली बात। अच्छा, ही कंस्ट्रक्टेड अ वॉल्ड सिटी इन दिल्ली
विच लेटर केम टू बी नोन एज, बहुत बढ़िया दिव्यांश, एस पुराना किला, ओल्ड फोर्ट। लैंग्वेज कुछ चेंज हो गई है तो इट हार्डली मैटर्स, है ना, मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी। चले आगे, ही स्टार्टेड बिल्डिंग, अच्छा कंस्ट्रक्टेड कर दिया, ठीक है, स्टार्टेड बिल्डिंग ऑफ ऑल न्यू ओल्ड सिटी दिल्ली, ठीक है, चले आगे। हुमायूं तक खत्म हो गई है बात, सूरी वंश खत्म हो चुका है, ये सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहां से पढ़ाने वाला हूं अकबर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ हेमू जी के बारे में। बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ेंगे, काम की एक दो बातें पढ़ेंगे बस, ठीक है। हेमू ही है हेमचंद्र विक्रमादित्य, और यही है लास्ट या फिर 14th विक्रमादित्य, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहले कौन है, क्यों विक्रमादित्य कहते थे, विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, वो सब आपको सही समय आने पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये है इंपॉर्टेंट बात कि आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, ये आपको सही समय आने पे शाम बताया जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री में बात समझाऊंगा मैं आपको, अभी के लिए बस आप इसे नोट कर लो, ये टाइटल है विक्रमादित्य इज अ टाइटल जो कि हेमू यानी हेमचंद्र ने खुद को दिया था या इन लोगों ने दिया था, ये टाइटल है। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं हेमो ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, कितने डाउट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अभी तो टाइम है हमारे पास। अच्छा रेजा हेड भी है, ठीक है, फ्री कर देते हैं अभी 5-10 मिनट में, चिंता मत करो। बिल्कुल राहुल का मैसेज आप सब पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे, आपने नोट कर लिया सब कुछ, अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। देखिए अकबर का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, वरना मैं अपने तरीके आपको बता दूंगा। बताएं, 1542 राजा वीरसाल के महल में, सब बात आपको याद है, अमरकोट वाले इलाके में। अब जब 1556 में इनके पिता की मृत्यु हुई तो कितने साल के होंगे, 13-14 साल के थे, याद रखेंगे अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब इनके फादर की मृत्यु हो गई, 13 साल के बच्चे को जो है युद्ध पे जाना होगा, और ये एक्चुअली जब इनके फादर की मृत्यु हुई थी तो अचानक हुई थी, लाइब्रेरी की छत से गिर के मरे थे, तब ये माना जाता है पंजाब गए हुए थे, ठीक है, ही वॉज ऑन अ मिशन, ये जो है एक मिशन पे गए हुए थे अब हुमायूं के ही कमांडर के साथ जिनका नाम बैरम खान, ठीक है, इस पॉइंट पे बैरम खान प्लस अकबर ये गए हुए थे गुरदासपुर पंजाब, ये वन ऑफ द रीजंस था कि हेमू जो है पहुंच पाया था वहां तक, बिकॉज कोई और था ही नहीं, बैरम खान वॉज द कमांडर ऑफ हुमायूं, आगे जाके अकबर का भी बन जाएगा लेकिन अभी के लिए हुमायूं का कमांडर, समझ पा रहे हैं, क्योंकि गद्दी खाली है ना, जो मेन सेनापति है और जो बेटा है वो वहां पे है ही नहीं, तो फाइनली हेमू जो है 1556 में दिल्ली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन अब एक बैटल होती है जिसके बाद अकबर वापसी लेता है जो है मुगल डायनेस्टी वाले इलाके को, 1556 की दोस्तों बैटल है, एग्जैक्ट डेट याद मैं आपसे कराऊंगा हर हाल में, मुझे पूरी डेट याद चाहिए, 5 नवंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये बैटल है दोस्तों बहुत फेमस, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये हुई है अकबर वर्सेस हेमू, एक्चुअली अकबर की तरफ से बैरम खां ही लड़े थे बिकॉज अकबर तो छोटे थे, लेकिन क्योंकि बादशाह वो हैं तो उन्हीं का नाम आता है, इसमें अकबर डिफीटेड एंड किल्ड, ठीक है।
अकबर ने हेमू को मार दिया और हरा दिया, या हरा दिया और मार दिया, और फाइनली अकबर का जो है राज्य अभिषेक हुआ 13 साल की उम्र में कालिंजर में, नहीं सॉरी कलनौर में, मैं भी आपके लिए लिखता हूं मैं। जी हाँ, हेमू जी मर चुके हैं। ठीक है, अब अकबर जो है ये बन गए हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या फिर जलाल। बताता हूँ, सैनफर्ड उस समय नहीं करी, कुछ समय के बाद करी, लेकिन तब तक अकबर बड़े हो चुके थे। जलाल माना जाता है शुरू में बैरम खां काफी ज्यादा वफादार थे। सब बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिए नेहा। अकबर बन गए हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, कोई दिक्कत आपको? 13 साल की उम्र में ये बन गए हैं अगले मुगल बादशाह, कोई तकलीफ? वरना मैं आगे चलूँ। एक काम करते हैं, यहाँ तक सेशन को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्कशन बचा हुआ है। एक सिंगल फ्लो में आने वाली क्लास में जो है पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास में कंक्लूड करता हूँ, आधा घंटा बचा उसमें आपके मैं डाउट्स देख लेता हूँ, और अब आपसे मुलाकात होगी 4 बजे वाली क्लास में। हाँ, 4 बजे अगली क्लास आपकी। ठीक है, इस पोर्शन से आगे के पोर्शन को मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा। जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लूंगा। अगर आप सिर्फ क्लास लगाने हैं तो यहाँ पे आप क्लास को कंक्लूड कर सकते हैं, कल जिसका एग्जाम है ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। चलो जी शुरू करते हैं खेला। एक बात, अच्छा प्री वाला दे रहे हैं आप अभी, है ना? ये देखो, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस को जल्दबाजी में क्यों पढ़ना है, आप पॉइंट समझना रजत। इंग्लिश और जीके तो वैसे भी इतना टाइम नहीं खाती, तो अगर जीके के क्वेश्चन को आपने मान लेते 20 सेकंड में पढ़ के सॉल्व करा गलत, तो उससे बढ़िया 30 सेकंड में सही कर दो, है ना? तो जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस को सच में अच्छे से पढ़ना होता है, 2 बार रीड करके तभी टिक करना होता है। तो एक तो सिली मिस्टेक से बच जाओ, फिर भी मैं चाहूंगा कि स्कोर थोड़ा सा और बढ़े, 120-125 की जगह 150-160 जाना चाहिए। दिक्कत मुझे लगती है इन तीनों सेक्शंस में है, इंग्लिश का अगर आपका, आप कह रहे हैं 5 क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हैं, अगर वो सारे सही हो जाते तो यहाँ पे तो ठीक है। पॉइंट्स में मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स आपके तैयार नहीं है, उन टॉपिक्स पे काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट्स की प्रैक्टिस आपने थोड़ी कम करी है, क्योंकि आप देखिए आपने 15 सवालों को सॉल्व करने में आधा घंटा लगाया है ना? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है। पॉइंट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, रोज के 25 से 50 सवाल आप लगाना चालू करिए, और धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। ये आप ही का तो है डाउट? ओहो, पापी इंसान। अच्छा ठीक है, ठीक है रजत, कीप प्रैक्टिसिंग। शॉर्ट में बताता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि रीजनिंग में मेरा एक ही छूटा बाकी सब हो गए। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है मॉक में, मैं इसे परफेक्शन का लेवल मानूंगा। कीप प्रैक्टिसिंग, जीके में जो चीजें आपकी गलत हुई हैं उन पे काम कीजिए, एंड नथिंग एल्स। बाकी आप सही जा रहे हैं, इंग्लिश में वोकैब वगैरह गलत हुई है उस पर काम कीजिए, अदरवाइज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हाँ ठीक है कार्तिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा आपके डाउट भी लेने की, चिंता ना करें आप। आपका डाउट मैं पहले ले लेता हूँ, क्योंकि आपके साथ एक जेन्युइन इशू है। कंप्यूटर थ्योरी हैज बीन टॉट बाय मी ऑलरेडी, यू कैन सी दैट बाय सर्चिंग प्रतियोगिता मंत्रा, गोइंग टू दिस प्लस कोर्सेस, देन कंप्लीटेड बैचेस, कंप्लीटेड कोर्सेस, आपको यहाँ पर ही डेटा मिल जाएगा। फुल थ्योरी एंड प्रैक्टिस कंप्यूटर की मैं आपको एक बार करा चुका हूँ, आप उस पूरे कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे से लगा लीजिए, दैट शुड वर्क फॉर योर एग्जाम। बाकी आने वाले समय में अगर दोबारा कोर्स लाऊंगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है? बट मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। जी एस एस सी हेलो हेलो बताइए। सर, हेलो जी एस एस सी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा जीएस में मतलब कैसे मैं करूँगा, लाइक मैंने आपका जो हिस्ट्री का जो कंप्यूटर बैच है जो आप सीजीएल 2022 के लिए पढ़ाए थे हिस्ट्री का, तो
वैसे मैं सिर्फ दिल्ली सुल्तनत किया है, तो मैं क्या उस बैच से इस बैच में ट्रांसफर हो जाऊँ? आपने उसे सिलेक्ट कर लिया है? नहीं सर, सिर्फ दिल्ली सुल्तनत पढ़ा है मैंने उससे। दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिया है? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताओ सही डायनेस्टी कब चालू हुई? सर बहुत दिन पहले किया था सर, डिविजन नहीं दिया। गलती है ना हमारी, देखो। नहीं सर मेरी हाँ मतलब सर मैंने सर पॉलिटी भी पढ़ा था सर, मतलब पॉलिटी मेरा जो मतलब लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ा था, मैं रिवीजन नहीं देके देके सब भूल गया मैं। हाँ देखो, एसएससी एक बात बताता हूँ, पहली बात तो जो आपका डाउट है उसे क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के बाद आप इस कोर्स को लगा लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, हाँ सर। अगर आपने पढ़ा है और आपको याद नहीं है, थोड़ी कड़वी बात बोलता हूँ, तो वो आपने नहीं पढ़ा है मेरी नज़र में। इससे आपको मैं एक सीख देना चाहता हूँ कि पढ़े तो ऐसे पढ़े कि वो याद रहे, और उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन पे आप काम करें। जो आपने आपने नोट्स बनाए हैं दिल्ली सल्तनत तक के? हाँ सर। बहुत बढ़िया किया आपने। आप एक काम करो, आपने आज की क्लास लगाई है ये वाली? नहीं सर, मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, अच्छा, कोई बात मतलब। नहीं। आप एक काम करना, देखो मेरी कल रात को भी क्लास है, आप अगली क्लास छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं कल तक का टारगेट दे रहा हूँ, कल रात 10 बजे तक का, जो दिल्ली सल्तनत तक का पोर्शन है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आप यहाँ पे मुगल डायनेस्टी चालू कर दो। दिल्ली सल्तनत के नोट्स को रिवाइज करने में 2 घंटे लगेंगे, बहुत लगे तो, 2 भी नहीं लगेंगे वैसे तो, 10 15 सर। भी होंगे, है ना। उसे हाँ रिवाइज सर। करके पिछले 2-3 सेशन देखो कि मैंने कहाँ पर वो पॉइंट बोला है जो आपके नोट्स में है, ठीक है। हाँ और उसके बाद जल्दी से जो बचे हुए सेशन है, मान लेते हैं आप 3 सेशन पीछे हो गए, 2 आज के और 1 कल का, तो वो 3 सेशन को जो है आप फटाफट से पूरा करके मुझे कल रात या परसों रात वाली क्लास में मिलो, उसके बाद से आप लाइव पढ़ो। हाँ सर। और सर मैं मतलब अभी कंप्यूटर स्टार्ट करूँ या मतलब साइंस का पार्ट जो मतलब तो कल से स्टार्ट होने वाला है आपका कौन सा पेपर है आने वाले समय में? सर? CGL 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी मत करो। देखो कंप्यूटर तो मेंस में आना है, तो मेन हाँ है ना, आपको पता है ना, प्री में आएगा तो 1 सवाल आ जाएगा बेसिक सा, वो आप इजीली बना लेंगे। तो अभी के लिए पहले आप साइंस करें। साइंस में 30th of March से लाइव ला रहा हूँ आपके लिए, तो अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं बायोलॉजी से शुरू करूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स उसके अंदर कवर कराऊंगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप वहां से साइंस को लाइव पढ़ सकते हो। कंप्यूटर्स को मैं कहूंगा प्री के बाद पढ़ना आराम से, अभी कोई मेरे हिसाब से नीड नहीं है। और सर काइंड अफेयर्स कहाँ से करूँ? क्या चीज? काइंड अफेयर्स करंट अफेयर्स के लिए आप अनअकैडमी पे कोई एजुकेटर देखिए। वैसे करंट अफेयर्स ना आपको शुभम सर करा रहे हैं टॉपिक वाइज, आप वो एक बार कोर्स को लगा के देखो। आप प्लस पे हो तो आप क्या करो, प्रतियोगिता मुद्रा पे जाओ, ऑनगोइंग हाँ। कोर्स में वहां पर आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर्स की, वो आप लगा सकते हो। और किसी एजुकेटर से पढ़ना, और किसी पढ़ सकते हैं, मेरा कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि हमसे ही पढ़ो, आप उनसे भी पढ़ के देख सकते हो शुभम शुभम सर से, बिकॉज वो आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। और सर जियोग्राफी की मैं आप कंप्यूटेड बेस्ट से पढ़ूँ? जियोग्राफी इकोनॉमिक्स जो और जो सब्जेक्ट आप है। वहां से पढ़ना चालू कर दीजिए। हाँ। और सर मतलब मैं GS खत्म करने का टारगेट कितने मंथ में रखूँ, मतलब मेरा जॉब का कंप्यूटेड बेस्ट है क्योंकि। देखिए मेरा ये कहता है कि आपको अगले 2 महीने में जीके एक बार खत्म कर देनी चाहिए, यानी आप ऐसे कहो तो मई के अंदर जीके खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज जीके को रिवीजन भी चाहिए। तो आप हाँ इस हिसाब से प्लान करो, पूरा जीके प्लान में मत डालो अभी। अभी के लिए ऐसे देखो कि हिस्ट्री में आपकी पूरी करा दूंगा अप्रैल में, साइंस में हाँ आपकी पूरी करा दूंगा मई एंड तक या जून के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपने मुझसे यहाँ पे कर ली। अब आप क्या करो कि जैसे हिस्ट्री आपने मुझसे यहाँ पे करी, तो इसके साथ आप एक पॉलिटी या ज्योग्राफी खुद रिकॉर्डेड में लगाना चालू कर दो। जब ये पूरा हो जाए तो पॉलिटी उठा लो उसके, और साथ में करंट अफेयर्स को रोज का 1 घंटा दे दो। मतलब इस तरीके साथ साथ चलाते रहोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। जैसे एक सब्जेक्ट को 15 3 हफ्ते या 2 हफ्ते जैसा दे दो और बस निपट जाएगा आराम से। हाँ। और सर जो मतलब तो आप प्रैक्टिस भी आएगा मेंस के टाइम पे, हाँ, उसे लगा लूंगा। और सर और एक बात थी सर, मैथ में जो मैथ में लाइक PIQ बन जा रहा है, अब प्रॉब्लम हो रहा है जब मैं मॉक पे जा रहा हूँ ना, तब मतलब फटक से मतलब मॉक में 38 35 ऐसा आ रहा है, मतलब फटक पचास से में नहीं से आ रहा है, 50 में से 35 38 ऐसा आ रहा कोई है बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, रोज के 25 सवाल लगाने की आदत डालो, प्रीवियस ईयर वाले की बन जाएगा। बस। और सर मॉक की मैं अभी से मतलब डेली एक दिन आगे स्टार्ट कर दूँ? अगर आपके देखो पहले तो थ्योरी पूरी करनी चाहिए कायदे से, हाँ सर, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश का मेरा थ्योरी कंप्लीट है पूरा तो उसके जी के बाद। तो एक डेली का मौका आप देना चालू कर दो। डेली कभी हो ना, कभी छूट भी जाए तो कोई गम की बात नहीं है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ सर ठीक है सर। अगला डाउट मैं देख लेता हूँ। देखिए स्क्रू, सबसे पहले मल्टीपल एग्जाम्स वालों को मेरा एक ही सजेशन रहता है कि अगर वो एग्जाम्स आप चुनते हैं जिनका सिलेबस सेम है, जैसा कि आपके केस में MTS का, CGL का, Phase 11 का भी अधिकतर चीजें सेम सी है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले उसे टारगेट बनाइए। जैसे आपको पता है CGL 23 और MTS में, मान लेते हैं MTS पहले होगा,
तो MTS को आप ऐसे क्लियर करना है कि MTS की तैयारी ऐसे करनी है कि MTS को फोड़ देना है पूरे तरीके, खुदा ना खास्ता पेपर अच्छा ना गया तो उसकी जो कमियां है वो उसके पेपर से आने के बाद तैयार कर लेनी है। यानी इन शॉर्ट सब चीजों को साथ लेके चलना है और सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं पेपर्स की वो तैयार करनी है और जब पेपर होगा तो पेपर दे आना है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप अलग अलग पेपर्स की तैयारी करें। बेटा देखो SSC और IBPS की तैयारी साथ में करना मुश्किल है, बट SSC के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना एक साथ मुश्किल नहीं है, बिकॉज जिसने CGL का भी मेंस दिया है ना वो मुंह उठा के भी चला जाएगा तो वो CHSL का प्री क्लियर कराएगा। समझ रहे हैं क्यों? बिकॉज सिलेबस सेम है, वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो घबराना नहीं है, सबके फॉर्म भरिए, सबके पेपर देके आइए और अच्छी बात है आपने कैसे एग्जाम को टारगेट में रखा जो कि एक बड़ा एग्जाम है, अच्छी बात है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। पहले लाइव देखो ऑफिसर, बिकॉज कहानियां समझ नहीं आएंगी, तो ये गलती मत करें हिस्ट्री के कोर्स में, चीजों को जो है साथ साथ निपटाएं। और कोई बात नहीं, एक क्लास छूट गई तो आज संडे है, इट्स ओके, आप कल रात 10 बजे वाली क्लास से पहले यहाँ तक का काम पूरा कर लीजिए। थैंक यू जितेंद्र, SSC का डाउट मैंने ले लिया है। नहीं, 12th की डिग्री तो चाहिए होगी ना आपको, वैसे तो उन्हें 10th की डिग्री चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए, बाकी ग्रेजुएशन की चाहिए, बाकी 12th की डिग्री आपके पास होगी वो भी चाहिए होगी। जनरली 10th प्लस 12th प्लस सेमेस्टर वाइज मार्कशीट प्लस कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। श्रवण, अगला सवाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया दिशा। जी दिशा जी बताइए। हेलो जी दिशा। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा 15th ऑफ मार्च को CHSL था, ठीक है। सर मैंने 77 अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकली तो मैं काफी खुश थी। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ आपको। तो सर मतलब मैंने जब चेक किया घर आकर तो मेरे एक क्वेश्चन मेरा मैथ्स में रॉन्ग हो गया और मेरा एक क्वेश्चन GK में रॉन्ग हो गया, ठीक है, और एक इंग्लिश में रॉन्ग हो गया, ठीक है। और मतलब जो था पढ़ा हुआ ही आ गया सर पहली बात तो। और मैं पहले अपना एग्जाम रिव्यू बता दूं क्योंकि कई दिनों से आपको बताने की मैं कोशिश कर रही थी एग्जाम के बारे में। सर मैं मोबाइल से मॉक देती थी ना, तो मैंने मोबाइल में मैंने आपको अपने माउस वाली प्रॉब्लम भी बताई थी, तो मैंने माउस हटा दिया था फोन में से। फिर मैंने क्या करती थी, 50 मिनट में अपना मॉक सबमिट कर देती थी। यही चीज मेरे साथ एग्जाम में होगी, मैंने 15 मिनट में पूरा मतलब पूरा पेपर का पूरा पेपर से गो थ्रू कर लिया, पूरे पेपर से 15 मिनट में। और मैं गलती से सबमिट भी करने वाली थी 10 मिनट्स पहले, वो तो मार तो अनेबल नहीं था, सर्च वो सबमिट वाला ऑप्शन मैंने वो टिक हो जाता मुझसे। अच्छा। फिर वो 10 मिनट बचे ना तो मैंने फिर से पूरा कर लिया, मतलब उसे चेक कर लिया अच्छे से, जहां जहां गड़बड़ लगा मैंने उसे ठीक कर लिया। तो 77 मैंने अटेम्प्ट किए। 23 सवाल जो छूटे हैं वो कौन से हैं सर? GK के हैं सर कुछ क्वेश्चन। सर GK ना अगर मैंने अगर मेरे को थोड़ा ऐसा था कि दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गई थी वहां पे, क्योंकि उसमें ना स्टेटमेंट वाइज आ गए और मैं एक मुझे कंफर्म पता था कि ये सही है और दूसरे वाले में कंफ्यूज और दूसरा मुझे वो आया नहीं था, तो मैंने 10 सही है मेरे एक गलत है उसमें। अच्छा। ये तो इसको हटा दो सर। अब मुझे सर आगे जो मैंने अपकमिंग एग्जाम लगा, ये मुझे सीखना है, मैं बहुत बच्चों से कई बार पूछना चाहता हूं। रेज अ हैंड, पहला बच्चा मिला है आपको कैसे? ये सबसे मैं एक साथ कलेक्टिवली पूछ रहा हूं, आपको कैसे पता लग जाता है घर आके कि मेरा सवाल गलत हुआ है? ये मुझे नहीं सर, मैंने एक्यूरेसी सर मैंने चेक किया था इसलिए, मुझे जो मैं 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो मैं GK में करके आई थी ना, तो मुझे जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो मुझे 10 के 10 याद थे क्वेश्चन। कौन से किए 10 के 10? जैसे कि था कि काइट फेस्टिवल किस सिटी में हो रहा है। अच्छा। तो वहाँ सूरत अहमदाबाद में फंस गई थी, लेकिन दो में था तो मैं टिक कर दिया अहमदाबाद क्योंकि मेरा सही था, मैंने आके चेक किया कि हाँ अहमदाबाद में ही हुआ था। ठीक है। और एक इंडेक्स से सवाल था वो भी मुझे पता था, इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक थी वो भी मैंने चेक कर लिया आके। तो इस तरीके से क्वेश्चन मुझे याद थे कुछ कुछ, जैसे कि राधा रेड्डी किस डांस से हैं तो मुझे पता था वो कुचिपुड़ी से हैं क्योंकि उनके नाम के आगे रेड्डी लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे सर मैंने चेक कर लिया था, और मैथ्स के सवाल मैंने सही से सॉल्व नहीं करा था तो वो हो गया सर। सर मेरे अब आगे वाले जो एग्जाम है CGL 2023 है, मैं CHSL भी दूंगी 23 वाला, और अभी हाल फिलहाल में SSC फेज 11 भी है, और अगर मेरा अच्छा स्कोर आ जाता है इसमें CHSL में तो ये मेंस भी हो सकता है। ठीक है। मुझे बता दीजिए आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो चीजें आपकी छूटी हैं इसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख के इसे पूरा करिए, मतलब बहुत ही जल्दी इसे कोशिश करके मार्च के अंदर ही पूरा कर लीजिए,
मार्च में भी काफी समय है, दो हफ्ते के आसपास है, हो जाएगा पूरा। बहुत लंबे टारगेट बनाएंगे तो नुकसान ही रहेगा, क्योंकि इससे फायदा यह है कि इन सभी एग्जाम्स में आपको फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप CHSL 23 के बारे में अभी सोच के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा बाद में है। तो अगर आप इन्हें क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे पहले आपको फेज 11 और मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप इनके इनकी तैयारी पर लग जाइए, और वो तैयारी जो है ऑटोमेटिकली CGL 23 में भी आपको मदद देगी, क्योंकि CGL 23 और CHSL 2022 का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इनफैक्ट मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। तो अभी के लिए सबसे पहले मार्च के अंदर जो पेंडिंग पोर्शन है उसे पूरा कीजिए। दूसरे नंबर पर जो मॉक टेस्ट है उसे देना चालू कीजिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड वाले, डेली का एक मॉक आप दीजिए कोशिश करके। तो ये प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स देने, भले ही आपको 200 नंबर वाले 100 क्वेश्चन वाले मॉक्स मिले वो दीजिए, या प्रीवियस ईयर बेस्ड कोई मेंस के मॉक्स आपको कहीं मिल जाए वो दीजिए, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए डेली का एक मॉक, या हफ्ते में 3 या 4 मॉक्स दीजिए, बस मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा। मेंस वाले सर? हाँ मेंस वाले, ठीक। क्या चीज सर? मेंस के मॉक देने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप SSC ने जो सवाल पूछे हैं वो आपको सॉल्व करने आ जाए, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट ये है। आप अगर प्री के करना चाहें 200 नंबर 100 क्वेश्चन 60 मिनट वो भी चलेगा, आपको कहीं ऐसे मिल जाए जो उन्हीं क्वेश्चंस को जंबल अप करके किसने मेंस के पैटर्न पे बना दिया हो मुझे वो भी चलेगा। मुझे जो चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये इनकम्प्लीट वाले कम्प्लीट हो जाए, और SSC के द्वारा पूछे गए पिछले 4 साल के सवाल आप रूबरू करके उन्हें सॉल्व करना आपको आ जाए, बस इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2023 में आराम नहीं करना, 2023 में कोशिश करके हफ्ते में 6 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 2023 में अगर नौकरी नहीं लगेगी तो 24 में काफी मुश्किल हो जाएगा सी, ठीक है जी सर। चलिए ऑल द बेस्ट। अगला डाउट मिले राम, मैं आपका डाउट भी लेने की कोशिश करूंगा बट प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहा हूं, तो अभी साहिल का रेज हैंड मैंने लिया है। जी साहिल जी बताइए। नमस्ते सर, मैं दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर रहा हूं। आपके आवाज थोड़ी आ रही है। सर मैं दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस? हाँ जी, उसके लिए आपका ये हिस्ट्री और साइंस का कोर्स वैल्यूएबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हिस्ट्री और साइंस का 100% काम करेगा। सर इसके बाद आपका कौन सा कोर्स लाइव आने वाला है? ये बेटा मैं आपको आने वाले समय में बता पाऊंगा, अभी के लिए हिस्ट्री और साइंस चलेगा, और आपको बाकी जो चीजें जैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से जोड़ के अंदर रिकॉर्डेड भी लगा सकते हैं। सर इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताओ प्रिपरेशन के लिए? देखो स्ट्रेटेजी सिंपल है, सबसे पहले थ्योरी पूरी करनी है, ठीक है, अच्छी ईमानदारी से मेहनत करके नोट्स अच्छे से बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है सर। और उस जैसे हिस्ट्री का कोर्स है तो पहले सेशन से आखिरी सेशन तक जो चलेंगे हफ्ते में एक बार उसे रिवाइज करेंगे, जब हिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद आप SSC के प्रीवियस 2 से 3 साल की कोर्सेज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। और तो नहीं सर, कितने आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी? कितने आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। देखिए मैं आप ऐसे सोच के हिस्ट्री मान लेते हैं 50 घंटे की, तो आप ऐसा देखो आप ऐसा मान के चलो कि अभी आप वर्किंग हो या वर्किंग नहीं? नहीं है सर, मैं अभी तो 90 and half year old है सर। अरे यार खेलो वेलो क्या कर रहे हो? हैं सर अभी खेलो कूदो यार, पहले कहीं मॉल पर सेल्फी लो। अभी तो नहीं सर। देखो मैं आपको एक तरीका बता दूं, कब ये टच करना हो ना कि कितने घंटे पढ़ना है, तब मान लो वर्किंग हो, जिंदगी भर काम करोगे ना, नौकरी पे जाओगे, नौकरी 8 घंटे तो 2 मिनट 8 के लिए 9 ही हो जाते हैं, दिल्ली के आप हो गए तो दिल्ली आने जाने में बड़ा समय लगा देते हैं। यस सर। नहीं पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं वर्किंग है ना? जी ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर और नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला डाउट मैं देख रहा हूँ, पहले अब क्वेश्चन टैब वाले डाउट्स निपटाऊंगा, उसके बाद रेज अ हैंड अगर समय मिला तो बोलूंगा, बाकी 4 से 6 भी क्लास है उसमें भी डाउट्स मैं ले लूंगा आपके। कोई बात नहीं बेटा, आप हिंदी में वीक है इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश में वीक है हिंदी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप देखो जो टाइम टेबल है, जैसे कि कल भी पुनीत ने शायद मुझसे बात की थी, टाइम टेबल ना कभी भी किसी टीचर से मत बनवाओ, रूटीन ना आप अपना बनाओ और अपने टीचर को भेजो। आई होप आप हिंदी समझ जाते हो, अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो तो बिट्टू आप मुझे बताना, ट्राई टू कन्वे द मैसेज इन इंग्लिश, ठीक है। बट आपने जो लिखा मैं ये देख पा रहा हूँ हिंदी आप समझ तो जाते हो। देखिए सबसे पहले अपना रूटीन आप बनाओ, उसे मुझे भेजो, कोई करेक्शन होंगे तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ऊपर जो आपने मुझे भेजा आपने कुछ चीजें कंप्लीट कर ली है, जो चीजें बची हुई है उसे आप जो है
आने वाले कोर्सेज से कंप्लीट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन में थोड़ी सी कमी है, आप थोड़ा सा रिवाइज डेटा को करिए, जो आपने नोट्स अपने बना रखे हैं कोशिश करिए उसे रिवाइज कीजिए, और रोज शाम 7 से 8 जो मैं स्पेशल क्लास देता हूँ उसमें आप आए। वो 100% फ्री क्लास है, उसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ जो SSC ने पूछे हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करिए चीज़ों की, मुझे लगता है कि उससे आपका फायदा हो जाएगा। और देखिए ये बात भी है, मेरे हिसाब से 2.5-3 घंटे काफी है। बिट्टू एक बात ये भी आपको माननी होगी कि SSC GK बढ़िया पूछता है, तो GK में सिर्फ आपकी गलती नहीं है, थोड़ा सा SSC का भी पार्ट पे उसका लेवल काफी हाई और थोड़ा सा रैंडम है। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, आपने ये अच्छी चीज है, आपने 11 सवाल लगाए उसमें 10 सही है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट मैं कहूंगा GK में। बस ये है कि अगर आपको 4-5-6 सवाल और आते होते हैं तो और बढ़िया हो जाता है, कि 20 के आसपास कुछ सही हो जाता तो और मजा आ जाता। अभी के लिए एक ये रिकमेंडेशन है आपके लिए, 7 से 8 वाली स्पेशल क्लास आज नहीं है, कल से डेली है एक्सेप्ट संडेज। इसके अलावा जो नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज कीजिए, और करंट अफेयर्स आप शुभम सर से या किसी और एजुकेटर से एकेडमी पे फॉलो कीजिए, इतना मेरे हिसाब से काफी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं डोंट बी सॉरी हरी, आपका अधिकार है अपने एजुकेटर से सवाल पूछना, बस आपने जैसा उसे फ्रेम करा है अच्छे से पोलाइटली, आपको तरीका आता है सवाल पूछने का, वो अच्छी बात है, तो नथिंग टू वरी है। ये सब चीजें जो आपने लिखे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में कराऊंगा। एक्चुअली ये ना एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, और मैं कराता हूँ सबसे पहले मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर एंशियंट। कायदे से हमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न करनी चाहिए, बट एंशियंट ना कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, तो शुरू में उसे करा दूंगा तो बच्चे की हिम्मत नहीं बनेगी, तो पहले वो कराता हूँ जो थोड़ा चटपटा है, उसमें क्या है बच्चे की हिम्मत बन जाती, फिर उसके बाद एंड में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला बोरिंग पोर्शन करा देता हूं, तो वो आपको कराया जाएगा। 100% ऑफ द कंटेंट जो आपने लिखा है वो इस कोर्स में आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगला डाउट। देखिए दीपक, सच बोलूं तो जिस उम्र में आप हैं, ये उम्र एकदम बाउंड्री वाली उम्र है। इस उम्र में अगर आपको इससे छोटा है तो वो अभी स्कूल से निकला है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा मतलब एक रूटीन में होता है, कि उसे पता ही है वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, या फिर कोचिंग जाता है, तो बंदा होता है। 25 की एज तक आते आते क्या होता है, हम 24 घंटे खाली होने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। देखिए होता क्या है ना, कि स्कूल का बच्चा क्यों सक्सीड कर पाता है, क्योंकि उसका एक रूटीन होता है, उसे पता है कि मुझे 24 में से 8 घंटे स्कूल में जाने हैं, 3 घंटे ट्यूशन में जाने हैं, फिर मुझे स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क करना है, उसके 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। हम जैसे कि बिल्कुल खाली है, तो हमारे 24 घंटे बस ऐसे घूमते हैं, दिन बदल जाता है और कुछ नहीं बदलता। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो पहले तो देखो अपने आप से कड़वा सवाल पूछो, ये नहीं तो क्या। अगर ये नहीं कर पाए तो क्या करोगे, अगर पेपर में सिलेक्शन ना हुआ तो क्या करोगे। थोड़ा डर लगेगा इस सवाल को पूछने में, बट इसका सामना करो, क्योंकि देखो अभी 25 साल के हो, जब एक बार 35 के हो जाओगे ना, तब कुछ भी नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, तब बस जिंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा। अभी तो हमें लगता है कि अभी उम्र पड़ी है या फिर अभी कर लेंगे कुछ, लेकिन अगले जब आप ये देख लेना, जब 28 के हो जाओगे ना, बहुत ही गंदे लेवल का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। हर कोई आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, शादी कब कर रहे हैं, आपके घर वाले इधर उधर के, वो मजे लेने के लिए पूछेंगे, भले ही उनका वो कंसर्न नहीं है, भले ही अभी हमें शादी वाले फैक्टर को ऐसी हवाबाजी में, हंसी मजाक में कर देते हैं, बट एक टाइम आएगा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी जिंदगी में, कि क्या पूछ रहे हो, मतलब बाहर जाने का मन नहीं होगा, शादी पार्टी में जाने का मन नहीं होगा, किसी से मिलने का मन नहीं होगा, क्योंकि पता है सब लोग एक ही सवाल पूछेंगे, है ना। जो 25+ है वो इस बात से ज्यादा जो है कनेक्शन बना पा रहे होंगे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होता तो सोचिए कि अगर आप इसे छोड़ देते हैं इस फील्ड को, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो अंदर से ही आएगा। जिंदगी भर ना पढ़ना पड़े उसके लिए 6-6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो, मजबूरी में पढ़ना है मजबूरी में पढ़ लो, मतलब जिंदगी में थोड़ा सॉर्ट हो जाओ कि नहीं पढ़ना ठीक है, नहीं पढ़ना फिर क्या, जब कुछ ना मिले ना क्या, तो मजबूरी में पढ़ो। देखो आपके घर में बहुत सारे लोग जॉब पे जाते होंगे, मम्मी पापा भैया दीदी, हो सकता है कोई जाता हो, है ना, पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है वो कई दिन बिना मन के नौकरी पे जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाया करते थे, स्कूल जाने का कोई मन थोड़ी होता था, मेरा कभी नहीं होता था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मेरी क्लास में मैं वन ऑफ द लोएस्ट इन अटेंडेंस होता था, वन ऑफ द लोएस्ट। मुझे याद है मेरे प्री बोर्ड से पहले मुझे डांटा जाता था कि आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, दिस दैट ये होता है ना स्कूल में, तो मैं उस कैटेगरी का बच्चा था कि मेरे को पसंद ही नहीं था स्कूल जाना, लेकिन जाना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। तो कई बार क्या होता है ना, मन के तरीके नहीं सोचना होता, परिवार के तरीके सोचना होता है। जैसे आपके मम्मी पापा बिना मन के किसी काम को करते हैं आपके लिए, आपको भी कभी कभार बिना मन के मजबूरी में सही बैठना होता है उनके लिए, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। ये बातें वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ ना भी करूं तो चलेगा, बट मुझे लगता है कोई तो चाहिए जो आपको गाइड कर सके, तो इसलिए ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये सभी बच्चों के लिए है, आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं है, मैं जानता हूं,
बट पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी ना घिसना पड़े, वो 6 दिन की नौकरी ना करनी पड़े, जो घर आने से पहले भी वो आपको फोन पे काम भेज दें, 6 बजे उठने का टाइम है, जान के 5:55 पे आपको एक फाइल पकड़ा दे कि भाई ये काम पूरा करके जाना, वरना इसे घर से भेजना। वो जो स्ट्रेस है ना नौकरी छूटने का या फिर लेट तक काम करने का, वर्क लाइफ बैलेंस ना होने का, वो स्ट्रेस आपको ना देखना पड़े, उसके लिए बिना मन के ही सही, अगर आपको लगता है ये आपका सपना है इसे पूरा करने के लिए पढ़ लीजिए, मेरा एक छोटा सा सजेशन है। बाकी तो देखिए जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। साहिल आपका डाउट मैंने ले लिया है तो ये क्लियर हो गया होगा होपफुली। हाँ पुनीत का ही वो डाउट था, पुनीत ने होमवर्क कर दिया, बहुत बढ़िया। आपका डाउट पुनीत अभी मैं लेता हूँ, वो थ्योरी कोर्स होगा ऋतिक, ठीक है। पुनीत अभी आपका डाउट मैं लेता हूँ, रुकिए जरा। कुछ इशू आ रहा है मेरे पॉइंट पे, अब ठीक है चलो। बहुत बढ़िया दिव्यांश, साढ़े 7 से 2 ऑफिस, 3 से 5 पॉलिटी थ्योरी क्लासेस, ठीक है, 5 से 6.5 इंग्लिश, 7 से 8 नहीं, मैं समझता हूँ दिव्यांश, मैं आपका गुरु हूँ। देखिए मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और ऑफिस में आप एक काम कर सकते हो, करंट अफेयर्स फॉलो करना थोड़ा सा चालू कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने जो है लिखा है कि आपके पास समय होता है, तो ऑफिस के लिए ना कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा अपना पढ़ना चालू कर दो, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, या तो एक काम कर लो ऑफिस में वोकैब पढ़ लो, है ना, जैसे किताब की सॉफ्ट कॉपी आपको कहीं से मिल गई या फिर आपके पास कोई किताब है उसकी आज 2 पेज की फोटो खींची और कसम खाली कि मैं ये 100 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन पढ़ के ही आऊंगा, समझ पा रहे हैं। इस तरीके छोटे छोटे टारगेट खुद को देते रहे, अगले दिन 100, 200 की फोटो ले गए और घर आने के बाद क्या करा, संडे को उसे एक बार अच्छे से अपनी प्रॉपर बुक से रिवाइज कर लिया, ठीक है, वो कैब हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, जीके का कुछ ऐसा डेटा हो गया, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने वो लिखवाए हैं कांग्रेस के सेशंस, तो वो डेटा अपने ऑफिस ले गए, गवर्नर जनरल वाला डेटा ले गए, है ना, तो वो डेटा आप अपने ऑफिस में पढ़ लो। बाकी मेरे हिसाब से जो प्लान आपने बनाया है पुनीत बिल्कुल सही प्लान है, बस इसे आप एग्जीक्यूट कर लेना, मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, मेहनत ईमानदारी से करते रहना, काम मेरे हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। मैं जानता हूं परफेक्ट पट करना पड़ेगा, देखो क्या कर सकते हैं ना, वो कैब पढ़ने का सच में मन नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ चीजें करनी ही पड़ती है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। देखो पता है प्रॉब्लम क्या होगी, परफेक्ट आखिरी में ना 2 या 3 सवालों से सिलेक्शन रहेगा, जिसका रहेगा या जिसका होगा, जो बात सच है, 2-3 सवालों का खेला बनता है एंड में 4400 में या 4200-2800 में, 2800 से सिलेक्शन के बाहर में, या फिर होम स्टेट या फिर घर से 2000 किलोमीटर दूर में। वो 2-3 सवाल गलत की जगह सही हो जाए, उसी के लिए हम वो चीजें करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, जैसे वो कैब है, जीके में कांग्रेस के सेशंस हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सारा खेल वही तो है। बताओ जैसे कि जीएसटी की आप बात करते हो, किसी को दिल्ली चाहिए, दिल्ली की सीटें तो वैसे अभी नहीं आ रही है, उसका दिल्ली रह गया किसी वजह से और उसे मिल गया फॉर एग्जाम्पल मुंबई, क्यों मिल गया, क्योंकि वो उस लिस्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे था बेचारा और उसकी वजह से उसके लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पता है ना आपको, अगर कोई मान लेते हैं कोई हरियाणा का है, उसे दिल्ली मिल गया तो घर आना जाना करेगा गाड़ी में, गाड़ी ले लेगा, ट्रेन से चले जाएगा, मुंबई से उसे आना तो उसे फ्लाइट करनी होगी, एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा। तो ये जो आखिरी के 2-3-4 सवाल होते हैं, इसी के लिए आप बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होती, कुछ लोग उसे पढ़ जाते हैं वो नंबर ले जाते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा सोचते ज्यादा है। देखिए कर तो सकते हैं रिकॉर्डेड में, मनीषा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डेली एक क्लास है तो आपके लिए पॉसिबल है तो आप लाइव कर लो, अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो आप रिकॉर्डेड कर लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में बस ये फायदा होता है कि डाउट्स आपको आया आपने हाथों हाथ मुझसे पूछ लिया, मतलब आइदर वे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। नहीं नहीं परफेक्ट, आप हिम्मत बांधे रखिए।
एक डाउट निखिल का रह गया है, एक डाउट रेज हैंड राम का रह गया। बेटा आप दोनों मुझे अगली क्लास में भेजो, अब 4 बजे की क्लास है तो 1 घंटा भी नहीं पड़ता, 4 से 6 की एंड में आप मुझे आपका डाउट भी जो है मैं ले लूँगा, ठीक है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, मनीषा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए आप सबसे मैं मिलता हूँ अब 4 बजे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। ग्रेजुएशन चाहिए सीजीएल का एग्जाम को देने के लिए साइमा, बाकी डेट क्या होनी चाहिए उस ग्रेजुएशन के रिजल्ट की वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, आप सभी को 4 बजे मुलाकात होगी, थोड़ा सा रिलैक्स करो इस 1 घंटे में, कोशिश करना फोन अगर चलाना भी हो तो 10-15 मिनट चलाना, बाकी दिमाग को शांत करना, थोड़ी देर लेट जाना, रिलैक्स करना आंखें बंद करके, और बस 4 बजे से पहले उठ जाना, कहीं 5:30 बजे उठो, है ना, थोड़ा सा आराम करोगे तो 4 से 6